there was a professor in Harvard, everybody knows the name. They faked the data. I'm not blaming them. It's the system, right? If you want to go ahead, it's the race for numbers. Those vanity metrics. देखिए मैं समझाने के लिए आपको सिर्फ कह रहा हूँ कि he was sitting like this in a job interview. ये तो मैंने नहीं लिखा था, किसी और ने लिखा था. So बात यहाँ तक पहुँच गई है कि you don't even care. दूसरी बात यह है कि इनको ये भी पता है कि मैं स्टूडेंट को चाहे जो भी पढ़ा रहा हूँ, जैसा भी पढ़ा रहा हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता. कुछ करने उसको कहीं है ही नहीं क्राइटेरिया में. हमारे चैनल के सारे व्यूअर्स में से सिर्फ 30% ऐसे लोग हैं जो हमें सब्सक्राइब करते हैं. तो अगर आप 70% लोगों में से जिनको वीडियो से फ़ायदा होता है लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं किया हुआ आपने, तो प्लीज़ कंसिडर करें कि आप सब्सक्राइब कर लें. इससे हमें हेल्प होती है कि वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँचती है और हमारे लिए बेहतर और अच्छे गेस्ट को लाना बहुत ईजी हो जाता है. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द एमजुबैर शो. आज के एपिसोड पे हमारे साथ बड़े ज़बरदस्त मेहमान जो कि एकेडमिया की साइड से, इंटरेस्टिंगली नॉर्मली हम हमेशा जब भी इनवाइट करते हैं नॉर्मली फाउंडर्स होते हैं, इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स होते हैं. आज हमारे पास डॉक्टर मोहम्मद नुमान है. इनको मैंने पहली दफ़ा देखा था जब इन्होंने डेवन के बारे में वीडियो बनाई थी यूट्यूब के ऊपर. आई फाइंड हिज चैनल रियली वेरी रिफ्रेशिंग और इट्स रियली अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर टू सी हिज कॉन्टेंट कि यार लोग अपने बिजी स्केड्यूल के अंदर से टाइम निकाल के स्टूडेंट्स के लिए काम कर रहे हैं और अपने पूरे सेमेस्टर के कोर्सेज़ को ऑनलाइन रिकॉर्ड करके उन्होंने फ्री में पोस्ट किया हुआ है कि कोई भी उधर से जाके पढ़ सकता है. इवन टुडे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स उनके लेक्चर से बहुत फ़ायदा उठाते हैं और अपने सेमेस्टर्स में भी उनके ही लेक्चर्स को यूज़ करते हैं सारा पढ़ाई वगैरह के लिए. तो लेट्स जस्ट गेट डायरेक्टली टू हिम एंड टॉक टू हिम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. क्या हाल चाल है आपके? थैंक यू सो मच, आप इतनी दूर से आए हैं हमारे पास शो पर. रियली अप्रिशिएट दैट. डॉक्टर नुमान, मुझे इट नियरली पेन्स मी टू सी के वी गॉट सच अ चार्ज्ड यूथ. ठीक है, एनर्जी है, पैशन है, वक्त भी है, अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद यू गो टू एनी इंडस्ट्री वर्टिकल, चाहे वो डेटा है, एआई है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हैं, वेब में कर रहे हैं, डेटा एनालिस्ट वाला कर रहे हैं, इवन आउटसाइड ऑफ टेक एज वेल. तो हम तो सिर्फ टेक की बात करते हैं. आप उनसे बात करें वो आपको यही कहेंगे यार कि हमारे पास तो काम के बंदे मिलते ही नहीं हैं. ठीक है, एवरी ईयर आई थिंक 7,000 ग्रेजुएट्स निकलते हैं कंप्यूटर साइंस या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री में, और उसमें से लोग कहते हैं कि रफली जो है ना तकरीबन 10 से 12% एम्प्लॉयबल होते हैं. इंडस्ट्री ये कहती है. आपने खुद एकेडमिया में पढ़ाया भी हुआ है. आप मुझे बता रहे थे भी आप थर्ड सेमेस्टर से पढ़ा रहे हैं माशाल्लाह अभी तक. तो इन ऑल दिस टाइम आपने, क्योंकि खुद भी आपने फास्ट में भी पढ़ाया हुआ है और अब आप सऊदी अरब में पढ़ा रहे हैं, आपने सारा लैंडस्केप देखा हुआ है. कैन यू स्पीक टू के क्या मिसिंग क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. एक तो थोड़ा सा आपकी ऑडियंस के लिए थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई कर दूं कि मैं पढ़ाता भी रहा हूं और साथ साथ मैंने ऑनलाइन काम भी किया हुआ है. तो मैं रिमोट जॉब्स ही करता रहा हूं तकरीबन. मैंने मतलब सॉफ्टवेयर हाउस की सेटिंग में काम नहीं किया, लेकिन रिमोट जॉब्स में फुल टाइम भी करता रहा हूं, पार्ट टाइम भी करता रहा हूं, फ्रीलांसिंग का काम काफ़ी अर्से तक करता रहा. इनफैक्ट मैं जब पीएचडी करने गया था तो उस टाइम पर मेरे पास ओडेस्क हुआ करता था. तो उस टाइम पे मेरे अकाउंट में -$500 थे जब मैं पीएचडी करने गया था. वो एक बंदे को रिफ़ंड कर दिए थे. सही. तो इंडस्ट्री की साइड पे, उस साइड से अगर कहें तो एक्सपीरियंस, मैंने लार्ज स्केल सॉफ्टवेयर के ऊपर काम किया हुआ है काफ़ी हद तक. तो इट्स नॉट प्योरली एकेडमिया, राइट? क्योंकि प्योरली एकेडमिया से कुछ थोड़ा सा इंप्रेशन ये जाता है कि ये पढ़ाते रहे हैं सिर्फ और इनको और कुछ नहीं पता, विच इज़ लाइक काइंड ऑफ लीड्स टू योर क्वेश्चन एज वेल कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो मेजर मसला है उसकी अगर आप रूट कॉज के ऊपर जाएं तो रूट कॉज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये है कि दो चीज़ों को मिक्स कर दिया गया है. एक है रिसर्च और एक है टीचिंग. इन दोनों को इस तरीके से मिक्स कर दिया गया है कि अब इन दोनों को अलग करना, एटलीस्ट मुझे नहीं नज़र आता कि यूनिवर्सिटीज़ करंट सेटिंग में रहते हुए किस तरह एक दूसरे को अलग करें, इन दोनों को कैसे अलग करेंगी. यू आर हायर्ड बेस्ड ऑन योर रिसर्च प्रोफाइल, यू आर प्रोमोटेड बेस्ड ऑन योर रिसर्च प्रोफाइल विद ज़ीरो इनपुट फ्राम वॉट यूर टीचिंग. HEC का जो प्रमोशन का क्राइटेरिया विच इज़ फॉलोड अक्रॉस द बोर्ड, ताकि पूरे पाकिस्तान में चलता है, उसके अंदर आपने पब्लिकेशन इतनी की हो और आपका इतने साल का एक्सपीरियंस हो. खुदा करे कि आप उसमें बैठ के स्टूडेंट्स के मुंह पे चपेड़े मारते रहें। देयर इज़ ज़ीरो क्राइटेरिया अबाउट स्टूडेंट फीडबैक। उसको छोड़ें कि आप ले सकते हैं कि नहीं ले सकते स्टूडेंट फीडबैक, स्टूडेंट से फीडबैक लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए वो एक अलग बात है, लेकिन है ही नहीं सिरे से। ठीक है, तो ये रूट कॉज है जिसकी वजह से सारे मसाइल पैदा हुए हैं। और चूँकि जैसे आपने बताया भी, मैं काफ़ी अर्से से पढ़ा रहा हूँ और मुख्तलिफ जगहों पे पढ़ाता रहा हूँ, छोटी यूनिवर्सिटीज़ में भी फास्ट का अपना एक नाम है। मैं फास्ट बाय द वे पेशावर कैंपस में था, लेकिन द प्रोसीजर्स आर एग्जैक्टली द सेम। तो जो इशू है वो ये है कि पीएचडीज़ को हायर किया जाता है, एचईसी का इनफैक्ट अब क्राइटेरिया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर नॉन पीएचडी हो ही नहीं सकता। मसला क्या है कि पीएचडी जो लोग करते हैं वो इस तरीके से करते हैं कि दे डू देयर बैचलर्स, बैचलर्स के बाद इफ़ यू वांट टू गो इनटू एकेडेमिया द बेस्ट पाथ which everybody recommends is you immediately go do your master's, yeah, and then you immediately go do your PhD, which again लोग ये समझते हैं कि बाहर से करेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से होगा, उसकी तरफ आ जाएंगे कि सिर्फ अगर टाइम मिले तो। लेकिन you do your bachelor's, you do your master's, you do your PhD, you have never seen the inside of a software house, you have never written beyond a hello world program in like 2 languages, और उसके बाद आप आके पढ़ा रहे हैं। In the best case, you are an expert in your domain, very specific domain, very narrow domain. In the best case, in the average case, you don't know anything. Okay? So average case ये है, बल्कि vast majority वो जो Bell curve बनती है. How can you not know anything and still publish 20-30 research papers? So the way this works is, थोड़ा सा जो जरा mature students हों उसके लिए कहने की ये बात है. The way this works is, you basically write a paper. It doesn't matter what the problem is, what the solution is, what you did. It doesn't matter any of it. You write something, you put words on paper. If you're good, you'll run like a Grammarly check on it. If not, nobody cares. You find somebody you know who is a friend of some guest editor somewhere. Guest editor? Guest editor ka friend. Not even a guest editor in a journal. And because they are the guest editor, they cannot put their name in the journal paper. But they can put your name in the hopes that in the future you will be a guest editor and you'll put their name. So it's like the whole thing. थोड़ा समझाएं, थोड़ा zoom in करें. Research आजकल इससे सारा journal तक, इन ये सारे characters का तो बताइए क्या होते हैं सारे. So by the way, बहुत ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा. If somebody is interested, तो मैंने एक तकरीबन 3 घंटे की कोई टॉक की थी, वो चैनल के ऊपर पड़ी भी हुई है, किसी वक्त मौका मिला तो उसको देख लें. It was very frank. मेरे सामने 4 स्टूडेंट सिर्फ बैठे हुए थे और उनको मैंने साफ बताया कि रिसर्च आजकल क्या चल रही है. रिसर्च nowadays is पब्लिश. ओके, अगेन थोड़ी देर पहले भी आपसे बात हो रही थी, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर कोई और कर रहा है तो वो सही कर रहा है, लेकिन ये बताना चाह रहा हूँ कि रिसर्च की जो करंट सिचुएशन है, जिसकी वजह से हमारी यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर, एकेडमिया के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर फ़र्क आ रहा है, वो ये है कि यू नीड टू पब्लिश नंबर्स. ठीक है, दैट्स इट, नंबर्स, एंड पीपल नीड टू साइट यू. सो इफ आई राइट अ पेपर, it's publicly available, you want to write a paper and you say Dr. Numan said this and this. It can be a positive, it can be a negative, doesn't matter. So that is a citation. So currently the good place is look at the number of publications and the number of citations. Okay. So how do you get more papers? You write more, you publish more. It doesn't matter what the quality is. Okay. That's how you get a large number of papers. Number two, how do you get more citations? You ask your friends to cite you. Okay. The journal editors ask the authors to cite their papers. ठीक है, like literally. You scratch my back, I scratch yours. Exactly. ठीक है, सही है. ठीक हो गया. अब इस तरीके पे जब ये चीज़ चलती है और वो प्रोपेगेट होते होते पिछले 15-20 साल में तकरीबन इस जगह तक अब पहुंच चुकी है कि there is an ongoing scandal. अब सर्च कर सकते हैं. It's very interesting by the way. There was a professor in Harvard. Everybody knows the name. They faked the data. It's like a behavioral research, behavioral psychology professor, and in Harvard, and she faked the data. It's a whole big analysis. Somebody else looked at the data और ये इन्होंने किया. So it was published. ये थोड़ा सा पहले की बात है, शायद 1 साल 6 महीने पहले की बात है. अभी currently चल रहा है स्टैनफोर्ड का एक. I'm not blaming them. It's the system, right? If you want to go ahead, it's the race for numbers. Those vanity metrics. Exactly. मसला क्या है? जो करते हैं रिसर्च में करते रहें. इट डजंट मैटर. रिसर्च के अंदर कोई काम की चीज़ अगर बनेगी, ठीक है, इट विल बी कमर्शलाइज और उससे कोई प्रोडक्ट बनेगी, कोई काम होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक है, वी डोंट केयर. द प्रॉब्लम इज़ जो यूनिवर्सिटी के अंदर जो लोग हायर हो रहे हैं, दोज आर बीइंग हायर्ड बेस्ड ऑन दिस क्राइटेरिया. ठीक है, सो नाउ द प्रॉब्लम इज़ यू आर स्पेंडिंग ऑल योर टाइम एंड एफर्ट ट्राइंग टू गेट दोज वैनिटी मैट्रिक्स. ठीक हो गया, वो नंबर आपने इंक्रीज़ कर लिए, यू आर हायर्ड. ठीक है, मैं फास्ट में एक टाइम पर बैठा हुआ था, नाम नहीं लूँगा, नाम मुझे याद भी नहीं है, लेकिन एक साहब आए, उनसे वो बैठे हुए थे, तो लाइक आप प्रोफेशनलिज्म बनने का देखें, मैं समझाने के लिए आपको सिर्फ कह रहा हूँ कि ही वाज सिटिंग लाइक दिस इन अ जॉब इंटरव्यू, इन अ प्रोफेशनल सेटिंग, ही वाज सिटिंग लाइक दिस। और हमने उससे पूछा कि आपकी कितनी, उसने कहा मेरी पिछले एक साल में 71 पब्लिकेशंस हैं। नॉट ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं। हाँ, तो मुझे ज़रा तकलीफ भी थोड़ी ज़्यादा है। आमतौर पर पीएचडी से सवाल नहीं पूछे जाते जॉब इंटरव्यूज़ में, आई डोंट नो वाई, वो बेइज्जती समझते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि ये एक पेपर आपने लिखा है, इसके मैं बड़ा इंटरेस्टेड हूँ इसमें, पोलाइटली मैंने पूछा मैं इसमें बड़ा इंटरेस्टेड हूँ, मुझे ज़रा बता देंगे इसमें? ये तो मैंने नहीं लिखा था, किसी और ने लिखा था। सो बात यहाँ तक पहुँच गई है कि यू डोंट इवन केयर, ठीक है, दिस इज हाउ इट्स बीइंग डन, ठीक है। इशू ये है कि हम लोग, मैं माई सेल्फ इंक्लूडेड, आई एम हायर्ड बेस्ड ऑन दैट क्राइटेरिया, सही है। सो इफ़ आई से समथिंग नेगेटिव अबाउट दैट क्राइटेरिया, तो मेरे दिल में ये आता है कि यार लोग कहेंगे तुम तो खुद इस बात पे हायर हुए हो। तो फिर कोई कहता नहीं है, तो जब कोई नहीं कहता तो ये चीज़ प्रोपेगेट होते 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 आगे बढ़ती जा रही है। इशू ये कि यार तुम्हारी तो 20 है, तुम्हें क्या पता, ये भी हो सकता है। एग्जैक्टली वो असल में मुझे कोई इसलिए नहीं कह सकता, मैंने भी 50-60 की हैं। अच्छा, एक साल में नहीं की, लेकिन मैंने बहुत सारी लिखी और मेरी साइटेशन ज़्यादा है। मैंने एक पेपर लिखा था जो कि आजकल, एंड आप लोग तो खैर शायद आईफोन वाले लोग हैं, लेकिन मैं वैसे ये मजाक के तौर पे बात करता हूँ, सीरियस ना लें इसको। एंड्रॉयड के अंदर जो परमिशंस का मॉडल है, जो कि अब iOS में भी है, कि इट आस्क्स यू येस और नो, इसके आने से पहले मैंने एक पेपर लिखा था जिसके अंदर इट वॉज अ कॉन्ट्रीब्यूशन, ग्राउंड ब्रेकिंग कॉन्ट्रीब्यूशन मेरी तरफ से। तो दैट पेपर गॉट मेनी साइटेशंस, क्योंकि उस वक्त इट वाज काइंड ऑफ अ न्यू थिंग फॉर एंड्रॉयड, ठीक है। तो मेरी साइटेशंस भी ज़्यादा हैं, तो मुझे कोई कुछ कह नहीं सकता, मसला ये है। लेकिन ये बात होती है, आपकी बात सही है कि लोग जिनके नहीं है साइटेशंस उनको ये कहेंगे, जिनका नंबर नहीं है उनको नंबर के ताने देंगे, और जिनके दोनों हैं तो उनको कहेंगे कि जी आपको नहीं पता और बस ये अब चीज़ें चेंज हो रही हैं और ये होना चाहिए और इस किस्म की बातें, ठीक है। लंबी एक तफसील है उसके ऊपर, बहुत ज़्यादा उसमें नहीं जाऊँगा मैं। ज़रा उसको वापस इस बात की तरफ जोड़ दूँ कि अब ये लोग जब हायर होकर यूनिवर्सिटी में आते हैं, इनको पता है कि माई प्रोमोशन इज़ बेस्ड सोलली ऑन दीज टू नंबर्स, इन अ गुड प्लेस, इन अ बैड प्लेस इट्स जस्ट द नंबर, नॉट इवन साइटेशंस, ठीक है। तो अब वो नंबर है आपके पास, जितनी ज़्यादा होंगी यू गेट प्रोमोटेड, यू गेट बेनिफिट्स एज वेल, ठीक है। मेरे बिफोर वी मूव फॉरवर्ड में एक सवाल है कि उसमें कोई लीस्ट क्वालिटी का बार भी तो कोई होता होगा कि आप पब्लिश कर सकते हैं या नहीं होता? मैं आई एम बेसिकली सो 100% ब्लैंक टू दिस साइड ऑफ द वर्ल्ड। यू वुड थिंक सो दैट देयर इज गोइंग टू बी सम सॉर्ट ऑफ अ क्राइटेरिया। एक साहब थे, उनके भी इसी तरीके से बहुत सारे पेपर थे, मेरे कोलीग थे, तो उनके जी बेस्ट पेपर और बेस्ट रिसर्च अवार्ड और ये अवार्ड। मैंने एक दिन कहा यार, वो किसी और डोमेन के थे, कंप्यूटर साइंस के नहीं थे, मैं नाम नहीं लेता क्योंकि फास्ट पिशावर वाज अ स्मॉल प्लेस, नाम नहीं लेता। तो उनकी एक दफ़ा मैं हो ही है, मैंने कहा यार मैं पढ़ूँ तो सही बंदा आखिर क्या लिखता है। तो आई ओपन अप दी एब्स्ट्रैक्ट एंड दी एब्स्ट्रैक्ट वॉज नॉट इवन ग्रामेटिकली, क्या वर्ड होता है, सेंसिबल ही नहीं था, मतलब उसकी कोई सेंस ही नहीं थी सिरे से। इसको छोड़ने की अच्छी बात थी कि बुरी बात थी? अच्छा, ग्रामेटिकली द इंग्लिश डिड नॉट मेक सेंस। चैट जीपीटी नहीं होगा उस ज़माने में, नहीं होता था, ये थोड़ी पहले की बात है। अब मसला चैट जीपीटी से और भी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि एटलीस्ट चैट जीपीटी विल फिक्स द इंग्लिश, ठीक है। अब यू डोंट नो व्हाट यू रीड, द बार इज इवन लोअर। हाँ, एग्जैक्टली। सो you would think there would be a minimum criteria for publications. The reviewers do not know. It sounds very pessimistic. So there is hopefully somewhere a silver lining. मुझे नहीं पता, लेकिन reviewers को नहीं पता, because I'm working by definition. I'm working on this thing which is novel, unique, a very narrow domain which I am an expert in. I send it to the editor. The editor doesn't know. He sends it or she sends it to the reviewers, and they don't know because the professor is not going to review the paper. The professor does not have time. He or she passes it on to undergraduate students. So now they are evaluating my work. ठीक है. So the whole system is broken. अच्छा, ठीक है, ठीक हो गया। तो मैं आ जाऊँ वापस। हाँ, बिल्कुल। तो अब मसला ये है कि ये लोग जब आ गए हैं टीचिंग करने के लिए, तो दो मसाइल हैं। नंबर एक, ये इस सिस्टम से गुजर के ऊपर आए हैं, so they are experts because they did this, not because they actually know what's going on. ठीक हो गया। दूसरी बात ये है कि इनको ये भी पता है कि मैं स्टूडेंट को चाहे जो भी पढ़ा रहा हूँ, जैसा भी पढ़ा रहा हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, कुछ करने उसको कहीं है ही नहीं क्राइटेरिया में। एक तो ये ना कि क्राइटेरिया में था कोई, उसको आपके पेपर्स अनपब्लिश तो नहीं हो सकते ना, तो मतलब लाइक वो इम्यूटेबल है। एग्जैक्टली। तो अब वो उनको ये नजर भी आ रहा है। दूसरा, उनको ये भी पता चल रहा है कि आई हैव लाइक 8 hours इन अ डे, लेट्स से आई हैव 8 hours इन अ डे एंड आई हैव टू पुट दीज 8 hours टूवर्ड्स समथिंग विच इज़ प्रोडक्टिव फॉर मी। हर बंदे की अपनी होती है थोड़ी सी, वो अपनी ज़ात की फ़ायदे की खातिर सोचता है, हर बंदा सोचता है। तो उसको ये नज़र आ रहा है कि अगर मैं करिकुलम के ऊपर सोचूँ, मैं ये सोचूं कि इस बच्चे को मैंने असेंबली लैंग्वेज अच्छे तरीके से पढ़ानी है, ठीक है, मैंने इसको प्रोग्रामिंग सिखानी है, मैंने इसको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट्स बताने हैं, तो आई गेट नथिंग बैक। अगर मैं उसको जाके वो प्रेसमैन की किताब पढ़ा दूं, ठीक है, कोई मसला नहीं है। जबकि अगर मैं वही टाइम लगाता हूँ, 2 पेपर पब्लिश करता हूँ, मेरी जो रिक्वायरमेंट है कॉन्ट्रैक्ट की वो 1 पेपर है, अगर मैं 2 करता हूँ तो 2 के ऊपर मुझे 20,000 रुपये मिलते हैं, राइट? तो इधर 20,000 रुपये और वहाँ पे 0 है, right. तो इवन इफ यू थिंक इंसेंटिव भी उधर है, ठीक है, इंसेंटिव भी उधर है, देयर इज नो इंसेंटिव टू टीच बेटर, ठीक है, एक बहुत बड़ा मसला। तो इसकी वजह से ये डिवाइड जो है ये ज़्यादा हुआ जा रहा है, वो लोग प्रोमोट हुए जा रहे हैं, और अगर कोई बंदा एफर्ट लगाता भी है इस साइड पे तो चूंकि उसका वो क्राइटेरिया नहीं फुलफिल होता तो वो ऊपर नहीं जाता। तो कुछ टाइम के बाद वो भी कहता है कि यार बस ना, मतलब अब मेरे बाल बचे हैं, मैंने करना है कुछ, तुम फिर छोड़ देता कि बस ठीक है, हो गया मेरे से जितना होता था। तो आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ दूसरी तरफ जा रही है। उससे मसला ये होता है कि करिकुलम आउटडेटेड होता जाता है। करिकुलम स्पेशली, मैं कंप्यूटर साइंस के हिसाब से बात करूँगा, कंप्यूटिंग की जितनी फील्ड है उसके डोमेन से मैं बात करूँ तो वो आउटडेटेड होता जाता है। मैं मिसाल के तौर पे अगर मशीन लर्निंग पढ़ा रहा हूँ, मैंने अपने अंडरग्रेड में पढ़ा था, एंड रिमेंबर आई वेंट टू माई मास्टर्स एंड माई PhD, आई हैव नॉट सीन मशीन लर्निंग, आई एम अ सिक्योरिटी पर्सन, आई एम हेयर एंड नोबडी इज देयर टू टीच मशीन लर्निंग, सो नाउ आई एम टीचिंग मशीन लर्निंग, सो व्हाट डू? आई ओपन अप माय नोट्स। ये भी हो सकता है कि आपकी शायद रिसर्च नेटवर्क में या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में हो, लेकिन जब आप आ गए तो आपने अब Let's even say that my expertise is in machine learning. ठीक है. It's going to be in, for example, large language models. हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है. Very narrow small thing. ठीक हो गया. बिल्कुल ठीक है. That's rare, but let's say it is. ठीक है. बहुत rare लोग actually को productive काम PhD में करते हैं, वो अलग again कहानी दूसरी तरफ जाएगी. Let's say even if that is the case, do you know how to teach the basics of machine learning? Like you're not going to be teaching large language models in an undergraduate introduction to machine learning course. यहाँ पे तो आपने basics पढ़ानी है, और बेसिक्स इस तरीके से पढ़ानी है कि वो विजन भी हो, ठीक है, ठीक है। तो या तो आपका वो विजन है और आपको ये पढ़ाना भी आता है, तो दैट्स अ वेरी वेरी रेयर केस, ठीक हो गया। एंड्रयूइंग, अंडरकरपाथी वगैरह रेयर केस, उंगलियों पे पूरी दुनिया में गिने जा सकते। अच्छा, ग्लोबल प्रॉब्लम। अच्छा ठीक है। अगेन ये जो प्रॉब्लम्स मैं आपको बता रहा हूँ सारे हैं, लेकिन हम तो अपने उसको देखेंगे, अपना इलाज करेंगे कि हमने अपने इस चीज़ को कैसे सही करना है। तो अब मसला क्या है कि जो लोग अंडर ग्रेजुएट के ऊपर, मैं मशीन लर्निंग की मिसाल दे दूंगा ताकि अक्सर लोगों को समझ आती है। मशीन लर्निंग प्री 2012 जब पढ़ाई जाती थी, तो प्री 2012 जब एलेक्सनेट आया, उससे पहले जो डीप लर्निंग का इतना वो नहीं था, एक्सपर्ट सिस्टम्स का कोर्स है, और इसके मेरे हाल से SVM को पढ़ा रहे हैं, मतलब ठीक है, देवर गुड मॉडल्स, देवर लाइक इफ़ यू आर अ क्रिटिकल थिंकर एंड यू वॉन्ट इंटेलेक्चुअल स्ट्रेस ऑन योर ब्रेन, SVM पढ़े, बंदा जगह पे आ जाता है, प्यारा मॉडल है। इट्स नॉट एप्लीकेबल एनी मोर, ठीक है। SVM जो करना है तो वो साइकिल टर्न के अंदर 2 लाइनों का कोड हो जाता है, ठीक हो गया। तो इट्स नॉट ए बिग। मसला क्या है कि ये बंदा, इसने प्री 2012 मशीन लर्निंग पढ़ी थी, उसके बाद से उस पर काम किया नहीं। यहाँ पे पढ़ाने को कोर्स मिल गया है, और ये भी पता है कि अगर मैं एफर्ट पुट इन करता भी हूँ तो इट गोज नोवेयर, ठीक हो गया। तो करते वो क्या है, ये जी पढ़ाएं जी, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज, सेमी सुपरवाइज। अब किसी को सेमी सुपरवाइज का नहीं पता, मैं आपको मिसाल के तौर पे बता देता हूँ, बाद में आप कट करना चाहें तो कट दें, मैं नाम ले लूँगा कि फास्ट में जब BS इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो ये सब यूनिवर्सिटीज़ में है, मैं फास्ट का सिर्फ नाम क्योंकि मैंने उसके साथ होगा। BS इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शुरू हुआ, 1 साल पढ़ा लिया गया, 1 साल के बाद उन्होंने AI का कोर्स ऑफर करना था। उस वक्त बैठ के बहस हो रही है कि AI की लैब में क्या कराना चाहिए। डिग्री प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, थर्ड सेमेस्टर अब के जी AI के कोर्स में हमने कराना क्या है, पहले तो ये अगेन ये मसला वही मसला है, कोई नया मसला नहीं है, वही मसला है, क्योंकि nobody is incentivized to think ahead of time। आप करिकुलम क्यों बनाएंगे, करिकुलम बनाने के आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलता। अब वो जब पढ़ा रहे हैं तो उसमें क्या कि जी हम लोगों ने उसके अंदर reinforcement लर्निंग करवानी है, ठीक है। सो आपके ऑडियंस के लिए जिनको ना पता हो तो reinforcement लर्निंग इज एसेंशियली द मैजिक बिहाइंड ChatGPT, इट्स लाइक वन पार्ट ऑफ अ वेरी बिग होल, लेकिन इट्स अ वेरी क्रिटिकल थिंग। जितने भी AlphaFold है, AlphaGo है, जितने भी मॉडल्स हैं सारे reinforcement लर्निंग के ऊपर है। reinforcement लर्निंग किसी को नहीं पता, नहीं आती किसी को। reinforcement लर्निंग इस लैब में पढ़ानी है कि जी हम इसको 2 वीक्स में कराएंगे। तो मैं मीटिंग में था, मैंने कहा reinforcement लर्निंग 2 वीक्स में नहीं होती, इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। यू स्टार्ट फ्रॉम प्रोबेबिलिटी एंड यू बिल्ड अप, ये 4 मॉडल्स हैं, मार्कोव प्रोसेसेस हैं, और ये चीज़ें पढ़ानी पड़ती हैं, देन यू गेट टू। और नहीं जी हम पढ़ाते हैं, ये 1 वीक में हो जाता है। वो आप इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि आपने वहाँ पे किताब में देखा है, किताब में एक इक्वेशन लिखी, आप स्टूडेंट को इक्वेशन बताते हैं, ना उसको पता इक्वेशन कहाँ से आई कहाँ गई, ख़त्म। जबकि उस एक इक्वेशन को जब खोलते हैं तो उसके ऊपर ये सारी, ये जो क्वांटम कंप्यूटिंग और ये सारी है ना, उस एक इक्वेशन के ऊपर है। वो जॉन बेल जो था, उसके पागल किस्म के कैरेक्टर जो गुजरे हैं उनमें से एक वो भी था। तो वो इक्वेशन बहुत डेंस इक्वेशन है, वो समझाने के लिए आपको पीछे से 4 वीक्स का काम लेके आना पड़ता है। मैंने उनको कहा सर मैंने रीइंफोर्समेंट लर्निंग पढ़ाई हुई है मास्टर्स लेवल के ऊपर, मास्टर्स पीएचडी का मैंने कोर्स करवाया हुआ है रीइंफोर्समेंट लर्निंग का पूरा, नहीं हो सकती। नहीं नहीं जी हो जाएगी कोई नहीं, हम यहाँ पे पढ़ाते रहेंगे। अब उसके बाद मैं बैठा हूँ पेशावर कैंपस में, वो बड़े लोग हैं, तो बात ख़त्म हो गई। कहने का मतलब ये है कि करिकुलम डिज़ाइन के ऊपर भी फोकस इसी वजह से नहीं है। राइट, ठीक है। तो 2-3 मसाइल हो गए। नंबर 1, जो पढ़ाने वाले लोग हैं उनके अंदर या तो कॉम्पिटेंस नहीं है, या कॉम्पिटेंस है तो टीचिंग अपनी जगह पर एक स्किल है, टीचिंग प्रोसेस नहीं है, वो नहीं है, या अगर है तो करिकुलम आउटडेटेड है। करिकुलम अगर कोई चेंज करने की कोशिश करता है, उस पर मैं आपको एक कहानी सुना, सबको करना पड़ेगा ना फिर अपडेट। हाँ, लेकिन इवन फर्ज करें कि अब कोई एक टीचर है ना, है होता है कोई कैरेक्टर निकल आता है बीच में, वो कहता है मैंने करना है चेंज, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता, मेरे से नहीं होता। ठीक है, तो मैंने मशीन लर्निंग पढ़ाई थी 2015-16 में, फर्स्ट टाइम मैंने फास्ट में पढ़ाई थी। तो जब, और अच्छे स्टूडेंट्स थे वो, फास्ट में बेसिकली हम 2 किस्म के स्टूडेंट्स को लेके चलते हैं। एक वो स्टूडेंट्स होते हैं जो कि हर कोर्स पहली दफ़ा में पास करके आए होते हैं, एक वो होते हैं जो या यहाँ लुढ़क गए या वहाँ लुढ़क गए, क्योंकि फास्ट में काफ़ी ज़्यादा होता है। तो जो लुढ़क गए होते हैं वो वीक नहीं होते हैं सच, लेकिन वो उस टाइम पे या उनका फोकस नहीं होता या एडजस्ट नहीं हो सकते एनवायरनमेंट से, इस किस्म की कोई सिचुएशन। लेकिन एनीवे वो जो पहली दफ़ा में निकल गए होते हैं वो तो वैसे ही हम कहते हैं अच्छे स्टूडेंट हैं। ठीक है, अल्फाज इस तरह के इस्तेमाल करते हैं। उनको मैंने पढ़ाई थी मशीन लर्निंग, और मुझे ये पता चला कि मैं इनको कोई बात करता हूँ प्रॉब्लम सॉल्विंग के साइड से, इनको नहीं समझ आती। तो मैं अपने मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स भी थे जिनके साथ मैं डिस्कशंस करता था ये, और मेरे साथ कुछ कोलीग्स थे, बैठ के हमने डिस्कस किया तो ये पता चला कि इनकी पीछे से जो फाउंडेशन है वो कमज़ोर है। तो आई वेंट बैक एंड आई बेसिकली रिक्रिएटेड दी होल इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग, उस टाइम पे होता था, जिसको आजकल प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स कहा जाता है। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग मैंने बैच 17 को, जो 2017 में आए थे, उनको मैंने पढ़ाया, और उनको मैंने एक कोर्स सिर्फ पढ़ाया था इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग का। उसके अंदर 3-4 काम मैंने किए थे, मैं करिकुलम के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। उसके अंदर सबसे पहली बात यह कि उस टाइम तक C++ में पढ़ाया जाती थी इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग, मैं उसके सरासर खिलाफ हूँ। तो वो स्टोरी के साथ मैं कनेक्ट कर दूँ, मैंने एक इतनी बड़ी ईमेल लिखी जिसके अंदर मैंने ये लिखा कि भाई आप पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ उठा लें, या पाइथन में पढ़ा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, या जावा में पढ़ा रहे हैं, ये यूनिवर्सिटीज़ हैं पाइथन में पढ़ा रही हैं, ये 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो जावा में पढ़ा रही हैं, और ये एक यूनिवर्सिटी है जो कि C में पढ़ा रही है, और वो C में इस वजह से पढ़ा रही है क्योंकि वो सिस्टम्स का प्रोग्राम है। राइट, तो सिस्टम्स में यस मेक सेंस। इतनी लंबी मैंने मेल लिखी, इट वेंट टू दी हायर अप्स, इट वॉज वीटोड। ठीक है, क्यों पता नहीं जी हमने नहीं करना। तो चेंज वर्जन भी तो है ना कि यार वो फिर सबको पाइथन में पढ़ाना पड़ेगा, ये भी तो है ना इशू। ये है ना कि करिकुलम, इफ देयर इज अ डिबेट, जिस तरह आपने अभी को बात की ना, देन इट्स फाइन। अच्छा हाँ ठीक है, मतलब देयर इज नो डिबेट, डोंट टॉक, तो देयर इज नो डिबेट, नहीं हमने नहीं करना, ओके एंड ऑफ स्टोरी। वो चूंकि अगेन मेरा शुरू से थोड़ा सा मसला रहा है कि बात मानने की आदत नहीं है थोड़ी सी, तो आई वेंट ऑन एंड डिड इट एनीवे। ठीक है, सो दैट करिकुलम बाय द वे नॉट, मैंने पढ़ा दी। तो उसके अंदर 2-3 काम किए जिसको मैं अगेन इसी बात के साथ लिंक करूँगा कि उसके अंदर एक समझाने के लिए, क्योंकि अक्सर जो आपके ऑडियंस है डेवलपर्स ही होंगे, उस कोर्स के अंदर वो दिस इज़ वन ऑफ दी प्लेलिस्ट जो कि मेरे चैनल पे भी है, उसके अंदर मिसाल के तौर पे मैं समझाने के कहता हूँ कि इट वॉज सो ड्रेस्टिकली डिफरेंट कि फंक्शंस पहले कराएं, वेरिएबल्स बाद में कराएं। अच्छा, इट्स काइंड ऑफ लाइक वियर्ड कि ये किस किस्म की हरकत है। इट वाज़ंट माय थॉट, इट केम फ्रॉम बर्कले का एक प्रोग्राम है कंपोजिंग प्रोग्राम्स, वेबसाइट भी है और पूरा बड़ा खूबसूरत काम है। ठीक है, जो लोग इंटरेस्टेड हों बाय द वे, या किसी को बताना तो बता सकते हैं। ठीक है, तो वो किया। दूसरी चीज़ उसके अंदर ये की थी कि एक ऑटो ग्रेडर बनाया था, विच वॉज एसेंशली के ऑटो ग्रेडर जो होता है, दे सबमिट दी असाइनमेंट और वो रियल टाइम में उनको फीडबैक दे देता था। ठीक है, तो ये जो बैच 17 के स्टूडेंट्स जो मैंने कहा कि इनके साथ मैं डिस्कशंस भी करता था, उन्होंने मुझे बाद में 3-4 साल के बाद मेरी उनके साथ बात हो रही थी, तो उनको मैंने कहा कि भाई उस कोर्स का फ़ायदा हुआ था कि नहीं हुआ था जो एक ही मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था। साथ ही बैठे हुए थे, लैब किस्म की हमने बनाई हुई थी, तो उन्होंने कहा सर आपसे हमने कुछ नहीं सीखा था, हमने सारा कुछ ऑटो ग्रेडर से सीखा था, क्योंकि इट वॉज रियल टाइम फीडबैक। रात को 11 बजे बैठे, वो मैंने असाइनमेंट दी हुई है, वो कर रहे हैं, सबमिट करते हैं, वो कहते हैं जी 1 टेस्ट फेल। इट वॉज एसेंशियली लाइक अ टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट किस्म का काम था। ठीक है, तो वो अगेन आई रोट अप द होल थिंग, आई सेंट इट टू माई हेड ऑफिस कि भाई ये चीज़ है, ये इसका फ़ायदा है, दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ इट, दिस इज़ द हाउ टू, इट्स अवेलेबल ऑन गिटहब, इट्स फ्री, आई एम नॉट आस्किंग फॉर एनी मनी, यूज़ इट। नहीं, आज तक वो उसके बाद मेरे बाद एक टीचर और थे जिन्होंने उसको यूज़ किया था, और उसके बाद किसी ने यूज़ नहीं किया, तो इट्स यूज। तो करिकुलम जो है वो हिलने पे तैयार ही नहीं है। ठीक है, ये बहुत बड़ा मसला है। ठीक है, तो इसके जो अगेन स्टूडेंट्स को ये चीज़ें वो ब्लेम कर सकते हैं इसके ऊपर, तो यूनिवर्सिटीज़ के इन मसाइल के ऊपर वो ब्लेम तो कर सकते हैं, लेकिन मसले कि ब्लेम करने से, थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, ब्लेम करने से आपकी लाइफ के मसले हल नहीं होते। हाँ बिल्कुल, तो हमारे लिए जो सोचने की ज़रूरत है वो ये है कि भाई यूनिवर्सिटीज़ ये काम गलत कर रही हैं, ये दो टीचर हैं जो कि पर्सनल हो जाते हैं हमारे साथ, होते हैं ऐसे टीचर होते हैं, मतलब शुड बी एक्सेप्टेड कि भाई कुछ टीचर इस तरह होते हैं जिनको आपने ज़रा सी इधर से उधर बात कर दी वो पर्सनल हो जाते हैं आपके साथ, फिर वो नहीं करते, ठीक है। तो यू डोंट वांट टू ruin your GPA just because of that one person. You don't want to delay your degree. इस किस्म के मसाइल होते हैं, तो इनका इलाज क्या है, इलाज की तरफ आने की तरफ ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। हाँ, that's a perfect segue into my next question as well. देखिए, मैं अपनी टीम को भी हमेशा यही कहता हूँ यार कि एक लाइक आप कार्ड्स ही गेम खेल रहे हैं, जैसे ज़िंदगी भी उस तरह ही है। एक आपको पत्ते मिले हैं हाउस से, एक वो चीज़ जो आपको मिल गई है पत्ते, दूसरा है जो आपने खेलने कौन से पत्ते हैं, ठीक है। तो जो आपने खेलने हैं वो आपके अपने हाथ में है, जो पीछे से हाउस से जो भी आपको आ रहा है दैट इज़ नॉट इन योर हैंड्स। तो ये तो सारी लाइक इंटरेस्टिंगली नाउ दैट यू पुट इट लाइक दिस, जो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ा है सारा इट इज़ नाउ ऑल स्टार्टिंग टू मेक सेंस टू मी कि यार मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ आप, ठीक है। और वो यही होता है उसी में लाइक इन ऑल दिस जो भेड़ चाल चल रही होती है उसमें एक या दो टीचर्स होते हैं ऐसे जो आपको एक दो सब्जेक्ट्स भी पढ़ा दें तो आपका जो है ना वो पैशन बिल्ड हो जाता है और फिर आगे उसके बाद लाइक यू एंड अप डेवलपिंग अ पैशन फॉर दिस, ठीक है। तो हाँ, दिस मेक सेंस टू मी नाउ। अब जो आप कह रहे हैं ये आज से 10 साल पहले भी ऐसे ही था जब मैं पढ़ रहा था, ये आज भी ऐसे ही है शायद, आई डोंट नो, थोड़ा ऊपर नीचे ऐसा ही रहेगा, ठीक है। ये तो हैं वो पत्ते जो मुझे हाउस से मिल गए हैं, ठीक है। तो अब मैंने एज अ स्टूडेंट हाउ डू आई, अब मैं इन पत्तों को मैंने अच्छा कैसे खेलना, आप ये बताएं। देखें, सबसे पहली जो बात है वो ये समझने की है कि अगला बंदा जो भी कर रहा है उसको ब्लेम भी करें, सब कुछ करें। मुझे याद है एक दफ़ा मैं टॉक कर रहा था, उसमें मैंने उनको कहा भाई ये स्टूडेंट की होता है, हॉल में काफ़ी सारे स्टूडेंट, उसने कहा सर हमें तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अच्छे तरीके से नहीं पढ़ाई गई। तो मैंने वहाँ पे टीचर का नाम लिया, मैंने कहा फ़लाँ टीचर, उसकी तो नौकरी लगी हुई है ना, आपके ये कहने से उसकी नौकरी तो नहीं जा रही। आप ये बताएं कि आप कल को किसी जाएंगे सॉफ्टवेयर हाउस में, वहाँ पे आपसे और फास्ट में जब लोग आते थे जॉब इंटरव्यूज़ वगैरह के लिए तो वो बाकायदा कहते हैं जी हमारे टीचर ने हमें ये नहीं पढ़ा था। इट्स नॉट एन आंसर, नोबडी केयर्स। एग्जैक्टली, आई डोंट केयर बिकॉज I'm not paying your teacher, I'm paying you. Can you do the job or not? So इसको इस mentality से approach करें। जब इस mentality से इसकी तरफ आएंगे तो आप हर कोर्स के अंदर पहले ये सोचेंगे भाई इस कोर्स के अंदर करने की ज़रूरत क्या है, ठीक है। मोर और लेस जो कोर्सेज़ हैं, कोर्सेज़ की जो लिस्ट है, मैं सिर्फ CS के प्रोग्राम का कहूँगा, BS इन SE और BS इन AI और BS साइबर सिक्योरिटी, मेरे बड़े ज़बरदस्त किस्म के रिजर्वेशन है, मैं फ़िलहाल उसमें नहीं जाता हूँ। मैं CS के कोर्सेज़ का फ़िलहाल कह देता हूँ कि जो CS के कोर्सेज़ है ना, लिस्ट ऑफ कोर्सेज़, दोज आर मोर और लेस फाइन। किसी अक्लमंदे बनाए थे, जिस ज़माने में भी बनाए थे, तो दे आर मोर और लेस फाइन। अब आपका ये काम है कि आप जाते हैं, मिसाल के तौर पर शुरू में आप गए प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के ऊपर, आपको ये पता होना चाहिए कि भाई प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के कोर्स के अंदर क्या पढ़ने की ज़रूरत है। नो, इट्स लाइक अ काइंड ऑफ अ catch-22 सिचुएशन कि आप तो सीखने जा रहे हैं, आपको क्या पता, ठीक है। उसके लिए थोड़े से पता करने की ज़रूरत होती है, अगेन थोड़ा बहुत लक भी होता है। और मेरा तो इस ये जो YouTube के चैनल बनाने का मकसद था वो सारे का सारा ये था, मैं बड़े अरसे तक वीडियोस रिकॉर्ड करता रहा, मैं अपलोड नहीं करता था। मैं 2015 में मैंने मशीन लर्निंग का जो कोर्स आपको बताया, मैंने वो रिकॉर्ड किया था, मैंने अपलोड नहीं किया। उसके बाद जब ये बैच 17 को मैंने पढ़ाया तो उन बच्चों ने मुझे खुद कहा कि इसको डालें ऑनलाइन, मैंने कहा चलो डालते हैं। तो बेसिकली मकसद ये है कि आप उसको ये देखें कि हर कोर्स के अंदर ये समझें कि इसके अंदर फंडामेंटल चीज़ क्या है जिसको समझने की ज़रूरत है। तो एक दो चीज़ें मैं बता देता हूँ, आगे फिर एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है हर किसी को। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के अंदर ज़रूरी ये है कि आप इस बात को समझें कि प्रॉब्लम सॉल्विंग किस तरीके से होती है। इट्स नॉट अबाउट पाइथन, इट्स नॉट अबाउट सी, इट्स नॉट अबाउट जावा, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, ऑल लैंग्वेजेस, कोई इसकी ज़रूरत नहीं है। इट्स अबाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो ये जब आप कोई बात इस तरीके से आप अप्रोच करेंगे तो फिर मसला नहीं होगा। मैंने आपको जो थोड़ी देर पहले बताया कि मैंने पाइथन पढ़ाई थी, इट वॉजंट रियली पाइथन। मैंने शुरू में पढ़ाई तो आमतौर पे मशहूर है बच्चों में जो इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग वगैरह और इस इवन डाटा स्ट्रक्चर्स तक जाते हैं तो मशहूर होता है कि रिकर्जन बड़ी मुश्किल चीज़ है। रिकर्जन वाज द फर्स्ट प्रॉब्लम दैट वी सॉल्व। एक स्क्वायर रूट का प्रॉब्लम है, बड़ा मशहूर है, 1986 का MIT का एक कोर्स था, उससे मैंने लिया हुआ और बड़ा प्यारा प्रॉब्लम है। इट कैन एक्सप्लेन लाइक 80% ऑफ ऑल कंप्यूटर साइंस। स्क्वायर रूट निकालना, अच्छा स्क्वायर रूट निकालना, कंप्यूटर किस तरह निकालेगा, बड़ा प्यारा प्रॉब्लम है, अभी शेयर करूँगा आपके साथ, देखिए। तो वो मेरा मजाक ही बना देता था मेरे स्टूडेंट्स ने कि हर बात में स्क्वायर रूट ले आते हो। तो इट्स अ वेरी गुड प्रॉब्लम। तो वो करवाया था और वो रिकर्जन से करवाया था, नाम लिए बगैर रिकर्जन का मैंने करवा दिया। जब ये बच्चे डाटा स्ट्रक्चर्स के कोर्स के टीचर के पास पहुंचे, रिकॉल हो गया उनको, उन्होंने कहा इस दफ़ा तो इनको रिकर्जन बड़ी अच्छी समझ आ रही है, बड़े अच्छे स्टूडेंट हैं। देखें, उन्होंने वो चीज़ देखी हुई है कि वी आर ट्राइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इट कैन बी सॉल्व ईजिली इफ़ यू अप्लाई दिस सेट ऑफ स्टेप्स। लेकिन ये बहुत हार्ड, ये आप आर्ट यू आस्किंग टू मच ऑफ अ स्टूडेंट जिसने पहली दफ़ा प्रोग्रामिंग फंडामेंटल की क्लास में गया है, वो पीछे FSC में A levels में वो तो रट्टे लगा के आया है। तो आप कह रहे हैं आपके यार जो रूह है ना कोर्स की उसको पकड़ो और फिर ये करना है, तो ये तो बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत मुश्किल नहीं है स्टूडेंट के लिए। the first time I thought of this, मेरे भी ये रिजर्वेशन थे, ठीक है। तो जब मैं गया बैच 17, अगेन मेरे चैनल के ऊपर बैच 17 एक कांस्टेंट रनिंग चीज़ है एक, तो बैच 17 वालों को मैंने पहले जाके कहा कि भाई एक्सपेरिमेंट मैं कर रहा हूँ और ये तुम लोग, वो कहते हैं ना बली के बकरे हो, तुम लोगों के ऊपर मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। इट वॉज हाईली सक्सेसफुल द एक्सपेरिमेंट एंड इट टर्न्स आउट दैट दीज थिंग्स आर एक्चुअली ईजियर देन ट्राइंग टू लर्न कि इंट का साइज़ कितना होता है, बिकॉज दैट डज नॉट कनेक्ट विद एनी थिंग। इंट का साइज़ वैक्यूम में एक कॉन्सेप्ट है, जबकि आप जब प्रॉब्लम सॉल्विंग से बात शुरू करते हैं ना, तो स्क्वायर रूट की मैं आपको मिसाल दे दूँ अगेन, कि वहाँ पे बात इस तरीके से शुरू होती है कि भाई आप लोगों को स्क्वायर निकालना आता है, हाँ जी सब सबको आता है, स्क्वायर रूट निकालना आता है, किस क्या जी नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, चलिए स्क्वायर रूट निकालना आता है, हाँ जी आता है, वो किस तरह होता था वो पता नहीं, वो कोई लिटरली यू सी दिस द स्टूडेंट्स डूइंग दिस, के वो कुछ होता था और काटते थे हम और कुछ, बिल्कुल सही है मैं बताता हूँ आपको आपने क्या किया था, करके बता दिया, हो गया, हाँ जी हो गया। 36 का स्क्वायर रूट निकालें, निकल आएगा 6, 37 का निकालें, वो गलत निकलता है उसमें 3rd से, क्यों? We're not talking about programming. We're talking about real world problems. A problem which you can connect to something that they have already done. I'm getting what you're saying. ठीक है, लेकिन वो मेरे लिए अब ग्रास्प करना शायद easier है जो स्टूडेंट्स इस वक्त हैं उनसे, तो वो क्या करें? That's what I'm saying. Because I've done it twice. मैंने बैच 17 को पढ़ाया, फिर बैच 18 को भी पढ़ाया। तो 18 को जब पढ़ाया था तो उनको मैंने कहा कि भाई आप लोगों के ऊपर तजुर्बा नहीं है, मुझे पता है चीज़ काम करती है, क्योंकि बैच 17 के स्टूडेंट्स, अगेन मैंने आपको कहा, उनको मैंने सिर्फ एक कोर्स पढ़ाया था एंड it has to be balanced with practice. So auto-grader वाली जो मैंने बात की थी, yes. So if you balance this intellectual thought with what the language is doing and you give them constant feedback, so it actually works out really easy. Or because all of these things are connected to each other, you're not adding concepts in vacuum. So it works out really well. और उसकी मैं आपको सबूत के तौर पे बता सकता हूँ कि बैच 17 के स्टूडेंट्स जो हैं, like more than 50%, जब वो अपने 4th-5th सेमेस्टर तक पहुंचे तो दे वर ऑलरेडी ट्राइंग टू लाइक गेट जॉब्स, ठीक है, नॉट लाइक ऑफिस जॉब्स लेकिन प्रोजेक्ट्स, ठीक है, बिकॉज दे कुड। आई थिंक लेट मी रिफ्रेज माय क्वेश्चन, ठीक है, मेरा सवाल ये है कि देखिए आप हर कोर्स के अंदर से उसका क्रक्स या उसका जो मेन उसका लेट्स द एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट दैट पीपल नीड टू अंडरस्टैंड टू मेक सेंस ऑफ इट, वो आप बता सकते हैं बिकॉज ऑन द बैक ऑफ योर एक्सपीरियंस। मैं शायद अपने इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ एक स्टूडेंट इस वक्त जो है वो क्या करे। आई हैव टू थिंक अबाउट दिस इन डिटेल, लेकिन एट द मोमेंट जो मेरे जो जिस वजह से मैंने ये चैनल भी बनाया था और इसके में तो इतनी बात हर किसी को पता होती है कि भाई, और स्पेशली आजकल ढूंढना भी काफ़ी आसान है कि हु इज़ द एक्सपर्ट इन द फील्ड, हु इज़ द एक्सपर्ट इन द फील्ड आप मिल सकता है। आप एक से कोशिश करें, दूसरी से कोशिश करें, जिस तरह मशहूर है ये एल्गोरिदम्स का जो कोर्स है, वो एक साहब हैं इंडिया के हैं शायद, अब्दुल बारी, मशहूर है, एल्गोरिदम सारी दुनिया उनसे पढ़ती जाके, अपना टीचर बहुत भी अच्छा पढ़ाता वो फिर भी जाके उन्हीं से पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स के अंदर, आपका शायद टाइम हो गया हो तो आपको शायद याद नहीं, लेकिन स्टूडेंट्स के अंदर वो चीज़ चलती है, मेरे ज़माने में शायद नहीं थे, तो हाँ खैर, एनीवे, सो द पॉइंट इज़ कि थोड़ा सा मुझे इसके जवाब के ऊपर थोड़ा तफसील से सोचना पड़ेगा, मे बी आई कैन गेट बैक टू यू ऑन दिस, लेकिन ये है कि यू नीड टू फाइंड the people who know what they're talking about and then help spread this. ठीक है, इट्स वन ऑफ दोज थिंग्स जो कि हमने कहा ना कि हम क्या कर सकते हैं, उसके अंदर वन ऑफ दोज थिंग्स मेरे पास ये लिखी भी हुई है कि जब आप कोई काम कर रहे हैं और आपको पता चल गया कि ये काम इस तरीके से अच्छा होता है, ठीक है, मैं मिसाल आपको दे देता हूँ। प्रोबेबिलिटी स्टेटिस्टिक्स पढ़ाई जाती है कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम में, तो उसके अंदर मेजर मसला होता है कि या मैथ्स वाला पढ़ा रहा होता है, बल्कि आमतौर पर मैथ्स वाले, क्योंकि वो MT का कोड होता है, तो वो इस वजह से मैथ्स वाले ने पढ़ानी है। तो मिसाल के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ कि एक प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स का कोर्स होता है, वो आमतौर पे पढ़ाया जाता है, MT का कोड होता है, तो वो मैथ्स का टीचर पढ़ाएगा। मैथ्स का टीचर बहुत भी अच्छा हो, उसको ये नहीं पता कि ये प्रोबेबिलिटी कंप्यूटर साइंस में कहाँ जाके लग रही है, ठीक हो गया। अब मसला क्या है कि अगर आप मैथ्स के टीचर से पढ़ रहे हैं, वो उसके अंदर आपको तफसील से बताएंगे सैम्पल साइज़ क्या होता है। इट्स अ गुड कॉन्सेप्ट, इट्स अ यूजफुल कॉन्सेप्ट इन रियल लाइफ, इट हैज़ ऑलमोस्ट नथिंग टू डू विद कंप्यूटर साइंस, क्योंकि कंप्यूटर साइंस के अंदर आप जब सैम्पल साइज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो यू आर गोइंग टू हैव टू गो टू सम अदर डोमेन पीपल, वो करेंगे, आप नहीं करेंगे। हमें मिलता है पूरा की पूरी पॉपुलेशन ऑफ डाटा, हमने पूरी बिग डाटा के ऊपर लगाना होता है, हमारा पॉपुलेशन सैंपल, उसके ऊपर 2-3 वीक्स लग जाते हैं। आपको नहीं समझ आ रही मैं प्रोबेबिलिटी क्यों पढ़ रहा हूँ, राइट, ठीक हो गया। तो मैंने प्रोबेबिलिटी पढ़ाई, अगेन वो मैंने वैसे ही बैठ के समर में रिकॉर्डिंग करनी शुरू कर दी, अपलोड कर दी मैंने, ठीक हो गया। अब जिस बात की तरफ मैं आना चाह रहा हूँ, आपके सवाल का पूरा जवाब मेरे पास नहीं है अभी, ठीक है, लेकिन जितना है वो दे देता हूँ, शायद उससे किसी को फायदा हो जाए। वो ये है कि मिसाल के तौर पे बैच में 2 बंदों को ये प्रोबेबिलिटी की वो नज़र आ गई, उसके अंदर पहली वीडियो में मैंने यही बात की हुई है कि भाई कंप्यूटर साइंस वाला आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ाएगा, तो वो आपको पाइथन का नाम भी बताएगा, वो आपको जितनी लाइब्रेरीज हैं वो भी बताएगा। वो ये भी बताएगा कि प्रोबेबिलिटी और मशीन लर्निंग के दरमियान में जो गैप है, जो आप मशीन लर्निंग का कोर्स जब पढ़ेंगे उस टाइम पे आपको प्रोबेबिलिटी का कोई नाम भी नहीं लेगा, हालांकि पूरी मशीन लर्निंग प्रोबेबिलिटी के ऊपर खड़ी है। एक्सक्यूज मी। तो ये ब्रिज आपको मैं बता देता हूँ, मैंने बता दिया, दो बंदों को पता चल गया। अब इन दो बंदों का ये काम नहीं है कि उसके ऊपर बैठ जाए गुंडी मार के, ठीक है, इनका काम ये है कि अपने पूरे बैच वालों को इस बात पे लगाएं, राइट, ठीक है। इससे बहुत फ़ायदा होता है। नॉर्मल मेंटालिटी क्राउडसोर्स कर दें, एग्जैक्टली। नॉर्मल मेंटालिटी हमारे स्पेशली जो स्टूडेंट जो उनको स्पेशली अगर किसी आप ऐसी यूनिवर्सिटी में डालें ना जिसके अंदर बहुत कट थ्रोट किस्म का कॉम्पिटिशन है, तो वो क्या कहते हैं कि भाई इसका GPA तो मेरे से ज़्यादा है और मेरा थोड़ा कम है, तो अब मुझे ये चीज़ मिली गई है तो मैं इसको यूटिलाइज़ करके इससे आगे बढ़ूँ। तो उसका मैं जब मैं पढ़ाता हूँ कुछ तो मैं उनको स्टूडेंट्स को पहले से कहता हूँ कि आपका कंपटीशन इन 20-25 लोगों के साथ है ही नहीं, ये कहीं और जाएंगे, आप कहीं और जाएंगे, आपका कंपटीशन पूरी दुनिया के साथ है। तो आप बजाय इसके कि इनको अपना कंपेटिटर बनाएं, इनको अपना पार्टनर बनाएं और साथ मिलकर सीखें, तो उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये जो एक कम्युनिटी बनाने वाली चीज़ है ना, इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, मल्टीपल फ़ायदे होते हैं। एक तो वही बात है कि आप क्राउडसोर्स अपनी लर्निंग को कर रहे हैं, 4 उसने सीखा, 4 मैं जब बैचलर्स में था तो हमारा एक ग्रुप था 8 बंदों का, और हमारे एक टीचर थे, अगेन वो एक आध टीचर हमें मिल जाता है, एक आध टीचर ही होते हैं। उस टीचर ने हमारे साथ ये इतना अच्छा काम किया था, ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट बट नॉट इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस उनको नहीं आती थी, लेकिन बड़ा स्मार्ट बंदा था। उन्होंने अपना ऑफिस हमें दे दिया कि ये मेरा ऑफिस है और ये इसके अंदर एक Pentium 2 पड़ा हुआ है, उन्हें भी याद है उस टाइम पे Pentium 2 होता था, तो होते Pentium 3 भी थे लेकिन यूनिवर्सिटी ने Pentium 2 दिया था। तो उन्होंने कहा कि जी ये कंप्यूटर पड़ा हुआ है, ये चाबी है, तुम लोग जानो और ये ऑफिस जाने, जो करते हो करो, खेलो खेलो। अब एक कंप्यूटर के साथ 8 बंदे क्या करेंगे, और स्पेशली उस एज के लड़के वो क्या करेंगे? तो एक उधर मेज़ पे पड़ा है, एक उधर ज़मीन पे पड़ा है, एक उधर सो रहा है। वो 8 के 8 बंदे जो है इस तरह के निकले कि कुछ ने वहाँ पे अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में, उस ज़माने में रिवाज नहीं था, गेम बनाई एक छोटी सी, फ्लैश उस ज़माने में होता था, फ्लैश में गेम बनाई, इट वॉज अनहर्ड ऑफ। मैंने एक FTP का क्लाइंट बनाया था, बनाया क्या था वो मैं पब्लिकली कहता हूँ कि मैंने डाउनलोड किया था, और मेरे सामने जो वाइवा वाला बैठा हुआ था उसने कोड में एक सवाल मुझसे पूछता गया, ये किस तरह होता है, ये किस तरह होता है, मैं जवाब देता गया। आखिर में वो कहता है ये आपने कैसे बनाया है? मैंने कहा सर देख लें। तो मतलब ये है कि नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। कहने का मतलब ये है कि वो 8 बंदों ने मिल के हमने एक दूसरे को इतना ज़्यादा सिखाया कि आजकल मुझसे लोग पूछते भी हैं कि भाई आप कंप्यूटर साइंस की इतनी ज़्यादा डिफरेंट डोमेन्स में किस तरह काम किया हुआ है। वो इसलिए कि उस ज़माने से वो आदत बनी हुई है कि अगर कोई और बंदा काम कर रहा है तो मुझे जितना आता है सारे का सारा उसके ऊपर मलबा डाल दो, तो वो आपको 2 चीज़ें वो भी बताएगा, गैरत में आगे बता देगा आपको। वैसे भी जो चीज़ बांटे वो बढ़ती है, एग्जैक्टली, लेकिन ये समझ नहीं आती लोगों को। तो ये जो वो है ना, जो यूनिवर्सिटी की तरफ ज़रा वापस सवाल की तरफ आ जाएं कि करने की क्या चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो ये कि अपने आप को अवेयर करें कि किन चीज़ों के अंदर, किस कोर्स के अंदर क्या ज़रूरत है। 2-3 एक तो मेरा अपने चैनल का तो मकसद ही है, ठीक है, तो उसके अंदर एटलीस्ट जाके अगर आप पहले हर उसका कोर्स का पहली वीडियो भी अगर देखते हैं तो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाता है कि भाई ये किस तरीके से। उसके अलावा VU के जो कोर्सेज़ हैं वो बड़े अच्छे रहे हैं, मेरा अपना तजुर्बा उनके साथ बड़ा अच्छा है, ठीक है। जिस तरह असेंबली लैंग्वेज मेरा मशहूर है, मुझे पता नहीं क्यों, मैंने खुद वो VU के बिलाल हाशमी साहब हैं, नाउ ही इज़ आई डोंट थिंक ही इज़ अ मास्टर्स इवन, उनकी BS की डिग्री है, लेकिन ये है कि वो बड़े बड़े PhD से उनका नॉलेज है, उन्होंने प्रैक्टिकल काम किया। उन्होंने अपने कोर्स में खुद कहा कि 2 KB की रैम होती थी जब मैं काम करता था, right। 2 KB तो हमारा समझ भी नहीं आती कि 2 KB में कोई काम होता किस तरह। तो कहने का मतलब ये कि इस तरह के रिसोर्सेज करें, पूल करें, शेयर करें, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे इवन और यूनिवर्सिटीज़ के साथ शेयर करें, क्योंकि इससे पूरी कम्युनिटी जब उठती है ना तो सबको फ़ायदा होता है। आई टोटली एग्री विद दिस एक्चुअली। मैं बैक और आज से 10 साल जब मैं पढ़ रहा था 2010 में, उस वक्त तो ना बैंडविड्थ इतनी होती थी, ना YouTube इतना फ्लाई किया था उस वक्त, तो शायद बीच में बैन भी होता था YouTube 1-2 सालों के लिए। तो इट वाज वेरी हार्ड टू फाइंड, जैसे मुझे लीनियर एल्जेब्रा मेरा मुश्किल, मेरे आई डिड नॉट कनेक्ट विद द टीचर। जब मैं गया ढूंढने तो मुझे कुछ भी नहीं मिला, नहीं कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली जो कि मैं उसको यहाँ पर यूटिलाइज़ कर सकता। आई मीन लाइक बट टुडे आई थिंक लाइक इट्स जस्ट एज सिंपल एज अ 4 to 5 Google सर्चेस में शायद आपको मिल जाए, और अगर वर्ल्ड लीडर मिल जाए उसके अंदर आप। और इस वक्त तो ऑनलाइन ओपन कोर्सवेयर के इतने ज़्यादा बड़े बड़े प्रोग्राम्स हैं। एक मैं GitHub पे जिसका OSSU का एक रेपो है, जिसके अंदर बेसिकली ये है कि वो हर वक्त अपडेट करते रहते हैं कि पूरी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री है, और उसमें हर सेमेस्टर वाइज उन्होंने डिवाइड किया हुआ है, और उन्होंने ना ये उनका एम ये है कि ये वो पाथ है जो आप मुफ्त में कर सकते हैं डिग्रीज। तो दे मेक श्योर कि जो भी ये सारे कोर्सेज हैं ये फ्री हैं और फ्री अवेलेबल हैं, तो आप ये कर सकते हैं। और फ्री कोर्स ही अच्छे हैं इंटरनेट के ऊपर, फ्री कोर्स ही अच्छे हैं। पता नहीं कौन लोग पैसे, मेरे अपने यूडेमी पे कोर्सेज हैं, पेड कोर्सेज, पता नहीं लोगों को क्यों पैसे देते हैं उसके। मैं तो जब बना भी रहा था तो मुझे समझ आई कि भाई ये आप क्यों मुझे पैसे देंगे, लेटेक का कोर्स है, तुम क्यों खरीद रहे हो यार, पूरा इट्स फ्री, इट्स ऑल फ्री, वाई यू पे. तो पेड कोर्सेज की तरफ तो बिल्कुल ना जाएं, ठीक है. अच्छा, ये बड़ी 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 स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है ये, बिल्कुल ना जाएं पेड कोर्सेज. देखें मैं अगेन क्योंकि मेरे दोनों साइड का वो है ना, यूट्यूब भी चलाता हूँ, यूडेमी का भी मेरा वो है. जब मैं पेड कोर्स बना रहा हूँ ना तो उस वक्त मेरे जहन में ये है कि कोर्स किस बात पे बिकेगा, राइट. मेरा फिर उस तरफ जब मैं एफर्ट लगा रहा हूँ तो मैं वो काम करूँगा ना जिसके ऊपर, इसलिए तो मैं यूडेमी पे डाल रहा हूँ, वरना यूडेमी पे डालना तो कोई क्रेडेंशियल नहीं है. आई फाउंड आउट कि ज़िंदगी में बात थोड़ी दूर निकल जाएगी, लेकिन मेरे ख्याल से जो चीज़ आप लेगेसी के लिए करते हैं ना वो आप सही अपने लाइक बिल्कुल ऑनेस्ट होकर करते हैं. लाइक व्हाट यू आर डूइंग ऑन यूट्यूब, श्योर थोड़े बहुत पैसे आपको उससे आ जाते, बहुत कम ही आते होंगे, लेकिन दैट इज़ बेसिकली योर लेगेसी, राइट. यूडेमी इज़ नॉट योर लेगेसी, दिस वुड बी योर लेगेसी, राइट. पर्सपेक्टिव ही फ़र्क है ना. तो आमतौर पर इस वजह से हो सकता है कुछ पेड कोर्सेज अच्छे भी हों, इस तरह नहीं कहता कि सबको नहीं, बिल्कुल जीरो से मल्टीप्लाई करते, लेकिन आमतौर पे ये है कि जो आपको फ्री मटेरियल मिलते हैं, जिस तरह MIT का OCW है, आपने वाकयातन अगर मशीन लर्निंग की कोर्स सीखनी है तो एंड्रयू का वो कोर्स करें जो कि उसने स्टैनफोर्ड में पढ़ाया, आपको ग्रीन कलर के बोर्ड पर वो एक दफ़ा करें, उसके नोट्स भी अवेलेबल हैं, वो बंदा गुजार रहे, दिमाग की चूलें हिल जाती हैं बिल्कुल. वो लग्रांजियन निकालता है ना, वहाँ पर पता चलता है कि होती क्या चीज़ है. और फिर किसी PhD किसी ने की हो मशीन लर्निंग की ना, उसके सामने रखेंगे ये लग्रांजियन है, मुझे बताओ क्या होता है ये. हालांकि वो बड़ी आसान सी चीज़ है, किसी को कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, लेकिन किसी ने की हो तो उसको पता होगा ना, राइट. तो MIT OCW दुनिया जहान के मटेरियल उसके अंदर पड़े हुए हैं. कुछ ऑडियो कोर्सेज ज़माने में मुझे साइकोलॉजी का शौक हुआ था, मैंने जाके उसके ऑडियो कोर्स था, एक बड़ा प्यारा कोर्स था. आज तक मुझे वो चूहे वाली मिसाल याद है, कभी मौका मिला तो बताएंगे. तो ये चीज़ है कि आप उसको इस तरीके से चलाएँ. एक और मिसाल के तौर पर बता देता हूँ, पीटर नॉर्विग है जो पहला रोवर था ना मार्स का, उसका ही वॉज दी आर्किटेक्ट. और मशीन लर्निंग, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो बुक है जो हर जगह पढ़ाई जाती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अ मॉडर्न अप्रोच, पूरी दुनिया में वही पढ़ाई जाती है, उसका ऑथर है वो पीटर नॉर्विग. गूगल का AI का रिसर्च का हेड भी था एक टाइम पे, तो ही नोज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट. उसका एक आर्टिकल है, टीच योर सेल्फ प्रोग्रामिंग इन 10 ईयर्स. आई वुड रिकमेंड टू एवरी कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इस पूरी कंप्यूटिंग के डोमेन में जो अगर पाँव भी रखना चाहता है ना, वो आर्टिकल ज़रूर पढ़े, टीच योर सेल्फ प्रोग्रामिंग इन 10 ईयर्स. उसमें उसने लिस्ट की हुई चीज़ें कि अगर आप अच्छी प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं तो ये काम करें. उसके अंदर एक दो मिसाल के तौर पे चीज़ें उसने कहा कि आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस सीखें, स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखें, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीखें, फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखें. फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे एकेडमिया में किसी को पता ही नहीं है, कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं है. एलेक्सर ने दुनिया आगे से पीछे कर दी है, किसी को पता ही नहीं है कि भाई. और यार वो पढ़ाने में सारे 2-3 घंटे भी नहीं लगते. प्रोग्रामिंग आपने अच्छी पढ़ाई हो तो किसी जगह पर कोई सेमिनार अरेंज करवा दो, किसी को पता होगा तो करेगा ना. तो ये चीज़ें जाके इस तरीके से आर्टिकल्स पढ़ें, उनको उन लोगों को सुने जिनको ये बातें पता हैं, तो इसी तरीके से पता चलेगा. अगेन यूर राइट कि इट रिक्वायर्स अ सर्टन डेप्थ इन एक्सपीरियंस बिफोर यू कैन कम अप विद कि भाई न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग क्यों पढ़ाया जा रहा है. लेकिन पूछे ना किसी से. लेकिन वेरी ऑब्वियस थिंग टू डू इज़ कि यार जो आपके जो सीनियर बैचेस होते हैं उसके अंदर ऐसे लोग होते हैं जो किसी ना किसी चीज़ में बहुत ज़बरदस्त होते हैं, जिनको शायद कोई भी नहीं जानता होता, लेकिन नाम सबको पता होता है. यार एक वो बंदा है, कहीं उसमें फंसोगे ना, न्यूमेरिकल में फंसोगे उस बंदे के पास जाना है, प्रोग्रामिंग फंसोगे उस PHP में फंसोगे उस बंदे के पास जाने. सो जस्ट आस्क अराउंड, आपको वो लोग मिल जाएंगे. एंड गो टू देम एंड आस्क देम, यार कि मुझे बताएं मैंने ये कोर्स नेविगेट कैसे करना है. इसके ऊपर मैं थोड़ा सा इस बात को कंटिन्यू कर दूं कि जब भी किसी को अप्रोच करें ना, मेक श्योर दैट दे नो दैट यू आर नॉट गोइंग फॉर मार्क्स. चाहे टीचर के पास जा रहे हैं या अपने किसी सीनियर के पास जा रहे हैं, अगर उसको ये पता चला कि ये इस वजह से मुझसे ये स्टूडेंट ने ये सवाल पूछा है टू गेट अ बेटर GPA इन कोर्स, यू आर नॉट गोइंग टू गेट एन ऑनेस्ट आंसर. बिकॉज जिसको काम आता है, जिसको भी काम अच्छे तरीके से आता है ना, उसको मार्क्स वाली चीज़ से चिढ़ होनी आजकल ज़रूरी हो गई है थोड़ी सी. अपनी जगह पे लंबी बहस है कि GPA बहुत सख्त मैं हाई GPA के ख़िलाफ़ हूँ, मतलब आजकल. तो पहले एक टाइम पे मेरा स्टांस ये था कि GPA डजेंट मैटर. अब मेरा स्टांस ये है कि अ गुड GPA इज़ एक्चुअली अ बैड थिंग. अच्छा, अब वेरी हाई GPA 3.5 से ऊपर का GPA के मैं हक़ में नहीं हूँ, ठीक है. मेरे सामने को बंदा आ जाए ना 3.5, किसी से पूछता नहीं हूँ इस बात के बाद, लेकिन अगर कोई आ जाए तो इट हैज़ अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. सो द पॉइंट इज, मेक श्योर दैट द अदर पर्सन नोज दैट यू आर डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, नॉट बिकॉज यू हैव सम लाइक वेस्टेड इंटरेस्ट्स. ठीक है, मैंने जॉब करनी है इस वजह से मैं फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग. आई वॉन्ट टू लर्न न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग वेल, हाउ डू आई डू इट. ठीक है, इवन आप और लोग बड़े इसके ऊपर हिचकिचाते हैं. आप किसी बंदे को मैसेज करें, वो कोई डंडा लेके मारने तो नहीं आ जाएगा ना, आपको इग्नोर कर देगा ना, तो बस खैर है, क्या हो गया. हाँ, और आप इंडस्ट्री में हर दूसरे बंदे को करें. वो आपके पास अभी गेस्ट भी आए थे, वो आरबी सॉफ्ट के जो बड़े हैं, तो भाई उनको मेल करें कि भाई आपके मैं उसके अंदर आना चाहता हूँ, मैं अभी यहाँ पे स्टार्ट हूँ. उनको मेलें कोई ना करनी, मेरी इतनी बात कोई नहीं मानता, लेकिन आप उनको मेल करें, मेरा अल्टीमेट टारगेट है मैं आरबी सॉफ्ट में आना चाहता हूँ, आप मुझे बताएं मैं 4 साल किस तरह गुजारूँ। जब 3 मेलें उनको जाएंगी ना, चौथी मेल पे उन्होंने किसी अपने अंडरलिंग को पकड़ के कहना यार बनाओ चीज़ कि हमें इस कोर्स में ये चीज़ें चाहिए। आखिर वो ही नीड्स टू सी द डिज़ायर फ्रॉम द अदर एंड, फिर वो करेंगे ना। इस तरह लोगों को अप्रोच करें, इंडस्ट्री के पास जाएं। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में इंडस्ट्री एकेडमिया पार्टनरशिप का एक होता है कोई, आजकल उन्होंने वो चीज़ बनाई हुई है। उसका क्या है, 10 यूनिवर्सिटी के लोग बैठे होंगे, 3 लोग कोई बाहर के इंडस्ट्री के ला के बिठा देंगे और उनको चाय माए ला के फ़र्क कर देते। बात तो उनकी सुनते नहीं है, क्योंकि अगर वो कहेंगे करिकुलम चेंज करो, उसका इनका इतना लंबा 4 साल का प्रोसीजर है, वो बंदा भी 2 दिन के बाद कहना छोड़ देता है। गिनती पूरी करने वाले वो काम कर रहे हैं उधर भी, तो इस वजह से उससे इतना फ़ायदा नहीं होता। तो यू अप्रोच दैम योर सेल्फ, वर्स्ट केस दे विल नॉट रिस्पॉन्ड। और आप कौन सा पब्लिकली कर रहे हैं, आप प्राइवेटली कर रहे हैं, आपको अगर किसी ने जवाब नहीं दिया, किसी को पता ही नहीं चला कि उसने जवाब नहीं दिया होगा। बिल्कुल। एंड ऑल्सो लाइक मैं तो ये कहता हूँ कि आपने सीधा CEO को क्यों मैसेज करना है, आप उनकी कंपनी में, मैं तो ये कहता हूँ कि लाइक रीच आउट टू द पर्सन हु इज़ नॉट रीच्ड आउट बाय अदर पीपल, राइट। सो लाइक फॉर एग्जांपल आप कर दें कोई 10 साल एक्सपीरियंस वाले बंदे आरबी सॉफ्ट में, उसको कर दें आप, या आप 5 साल वाले को कर दें, आपसे तो बेहतर ही पता होगा ना उसे, इवन आपको हेल्प कर सकेंगे टू गेट इनटू आरबी सॉफ्ट और एनी कंपनी। मैं कह रहा था कि अगर उधर भी कर देंगे तो, लेकिन दिस इज द बेस्ट केस क्या हो जाएगा, वर्स्ट केस नहीं बनेगा। लेकिन अगर आपने चांसेस ऑफ सक्सेस बढ़ाने हैं तो ऑफ कोर्स प्रोबेबिलिटीज ही है ना, लाइक रीच आउट टू द पर्सन जिसको वैसे ही कम मैसेज आते हैं, ताकि आपको ये दे कैन आंसर यू। और मजे की बात ये है इसके अंदर, जरा सा मोटिवेट करने के लिए कह दूं कि जो बंदा नॉर्मली आपको रिस्पॉन्ड करेगा ना, दैट इज एक्चुअली गोइंग टू बी द इंटेलेक्चुअल, जिसको पता है, जिसको नहीं पता वो हंगर की, हाँ एग्जैक्टली, जिसको नहीं है ना वो आमतौर पे रिस्पॉन्स ही नहीं करेंगे। तो जब आपका रिस्पॉन्स, आपको कोई रिस्पॉन्स आएगा ना, तो वो एक किस्म का आपको कॉन्फिडेंस खुद मिल जाएगा कि इस बंदे को पता है, वरना जिसको नहीं पता वो रिस्पॉन्स इस किस्म की चीज़ों पे करता ही नहीं है। तो इस वजह से इस चीज़ को, ये इस चीज़ की बड़ी ज़रूरत है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रीच आउट कर सकते हैं, और स्पेशली अपने फर्स्ट सेमेस्टर से काम स्टार्ट करें। जिस तरह मैंने अभी वो एक बाकायदा एक प्लान बनाया हुआ है कि भाई आप इस तरीके से ये काम करें तो आपका होता है, और बहुत सारे लोगों को उससे फ़ायदा भी हुआ। जिस तरह मैं मिसाल के तौर पर कहता हूँ, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन करें, ऑपरेटिंग सिस्टम्स का कोर्स हर जगह पे है, इतने फजूल तरीके से पढ़ाया जाता है ना कि हालांकि ऑपरेटिंग सिस्टम इट्स दी सोल ऑफ ऑल ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स के कोर्स के सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन कोई नहीं पढ़ा रहा, दुनिया जान के आपको भी पता होगा, सिस्टम एडमिन अगर आपको कहीं मिले, कहीं बेरोजगार नहीं फिरेगा, एडमिन वो आराम से बैठा होगा और करता कुछ नहीं है। वो मैंने सिस्टम एडमिन के तौर पर काम किया हुआ है काफ़ी टाइम तक, जब मसला होता है तभी वो कुछ करता है, वरना वो फिर मसला ये हो गया था कि उसमें पैसे इसलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि मैं काम कर रहा था बाय द आवर, और सिस्टम्स जो मैंने आप किए थे वो ख़राब होते नहीं थे, वही मॉनिटर लगा हुआ और सारे कुछ खुद ही कर रहा है, खुद ही उसको आप कर रहे, तो मैं तो आखिर में उन्हें काम नहीं करते ये काम। वो तब अच्छा मज़ा करता है जब आप मतलब तो फिक्स्ड पे हो ना, फिर बड़ा बहुत मज़े, बस फिर फिरते रहो। तो यह है कि इस किस्म की चीज़ों को आइडेंटिफाई करें और उनको साथ साथ करें। तो यू नीड टू सेट योर सेल्फ अपार्ट फ्रॉम एवरीबडी एल्स। थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि मतलब कंपटीशन नहीं है, आप कह रहे हैं कि कंपटीशन नहीं है, लेकिन व्हेन ही सेज कि सेट योरसेल्फ अपार्ट, उसका मतलब ये है कि दुनिया से अपार्ट करें अपने आप को, एग्जैक्टली पीयर्स से। यू पुश योरसेल्फ, उसको नीचे नहीं करना, उसके सर के ऊपर पाँव नहीं रखना, अपने आप को ऊपर करें, उसको भी पुल करें, वो आपको पुल करेगा, सब एक दूसरे को पुल करें। दैट्स एसेंशियली व्हाट वी मीन बाय दिस। तो इसकी वजह से फिर बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है कि आप ये 4 साल के अंदर, और ये मशहूर भी है, पता नहीं कितने हद तक लोगों को पता है, यंग लोगों को, ये 4 साल ही हैं काम करने के लिए। वो हम छोटे होते थे ना तो हमें कहा जाता था जी मैट्रिक कर लो बस, उसके बाद फिर बेगाम हो जाए, फिर FSC हो गया तो FSC कर लो फिर बेगाम हो जाए। तो मैं ये सारी कहानी स्टूडेंट्स को करता हूँ, तो मैं कहता हूँ BS के पहले 4 सेमेस्टर हैं, 4 साल नहीं, 4 सेमेस्टर। इन 4 सेमेस्टर में अगर काम कर लो बस, फिर उसके बाद वाकई कुछ नहीं करने के लिए, फिर आराम से रिलैक्स। मेरे पास इस तरह के स्टूडेंट्स हैं, रिसेंटली मेरे उसके साथ बात भी हुई, तो ही वॉज इन हिज आई गेस 5th सेमेस्टर जब उसने फ्रीलांसिंग शुरू कर दी। मैंने कहा मत करो, उसने कहा बस सर मैं कर रहा हूँ, करके हालात अच्छे नहीं। तो ही डिड अ कपल ऑफ प्रोजेक्ट्स ऑफ लाइक आई गेस लाइक $70,000 3 महीने में, और इस किस्म के। 5th-6th सेमेस्टर का अगर बच्चा हो और वो इतने कमा रहा है, हमने सारी उम्र में नहीं कमाए इतने, तो बड़ी बात है ना। तो वो इस वजह से, बिकॉज ही न्यू हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, एवरीथिंग एल्स इज अ टूल एज लॉन्ग एज यू कैन पुट योर ब्रेन पावर इनटू सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। ये मसला है, इस मसले को इस तरीके से हल करना है, अब इसके लिए मुझे कंप्यूटर की ज़रूरत है। लिहाजा एक बड़ी मशहूर मिसाल है, अगेन वो जो 1986 का कोर्स मैंने आपको कहा, उसमें उन्होंने मिसाल दी, तो इट स्टिक्स टू मेनी पीपल। इस वजह से दोबारा बता देना यहाँ पे कि ज्योमेट्री क्या चीज़ है। ज्योमेट्री इज़ नॉट अबाउट द कंपस एंड वो डी और प्रोटेक्टर, ये चीज़ें नहीं है। ज्योमेट्री इज़ द स्टडी ऑफ स्पेस, ये टूल्स हैं। इस तरीके से कंप्यूटर साइंस इज़ द स्टडी ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। ये कीबोर्ड और माउस और रैम और ये चीज़ें, ये टूल्स हैं हमारे, ये मीन्स हैं इनके। आप एज लॉन्ग एज यू नो हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। तो कंप्यूटर साइंस एक टाइम पे जब हम अंडरग्रेड में थे उसके बाद एक बस्ट आया था कंप्यूटर साइंस का, नौकरियां ख़त्म। वो नौकरियां ख़त्म इसलिए क्योंकि कंप्यूटर साइंटिस्ट को प्रॉब्लम सॉल्व करने आते नहीं थे। उसके बाद वापस बूम क्यों आया? और अभी आई प्रिडिक्ट बैठे बैठे अभी मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि देयर इज गोइंग टू बी अ बिग बस्ट, नॉट बिकॉज ऑफ एआई बट बिकॉज पीपल डोंट नो हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। बस्ट लाइक ग्लोबल बस्ट। अच्छा, क्योंकि if you think that ChatGPT can do your job, then you're not doing your job properly. Sure. Because you need to be solving the problems of people. For example, एक psychology का बंदा है, ठीक है, मैंने देखा भी था इस किस्म का। तो he was a psychology professor और उसने large scale massive surveys करने थे and he was like, how am I going to do this analysis? So he learned Python, he wrote a library in Python to solve that problem and then that library was used by everybody. Problem solving, computer is just a tool. तो ये बात जब एक दफ़ा समझ आ जाए ना, फिर बाकी सब चीज़ें चलती हैं। जी मुझे ये पाइथन की ये फलानी लाइब्रेरी नहीं समझ आ रही, भाड़ में कि नहीं आ रही, उधर हटाओ उसको, दूसरी लाइब्रेरी इस्तेमाल करो। उसके पीछे क्यों पड़े हो? एंड पे जाना है आपने अपने आप को उस एंड गोल तक पहुंचाना है। तो इस पर्सपेक्टिव से जब चलें तो फिर काम आसान भी रहता है काफ़ी। जब इस पर्सपेक्टिव से आप चलें ना, गोल के पर्सपेक्टिव से, तो बहुत सारे इस तरह के आपको कोर्सेज आएंगे। मिसाल के तौर पर बिजनेस कम्युनिकेशन का कोर्स आएगा। नाउ यू नीड टू सिट डाउन एंड थिंक वेरी केयरफुली, डू यू नीड दिस कोर्स और नॉट। ये पर्टिकुलर कोर्स के मैं थोड़ा सा खिलाफ हूँ जिस तरीके से पढ़ाया जाता है उसमें। इतनी लंबी लंबी असाइनमेंट्स दे देते हैं लोगों को अक्सर जगहों पे। ये तो अ गुड बिजनेस कम्युनिकेशन टीचर इज़ गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। दिस इज़ अ गुड टीचर, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा, तारीफ़ कर रहा हूँ उनकी। दे आर गोइंग टू गिव यू लाइक 18 hours ऑफ असाइनमेंट्स। यू नीड टू स्टेप बैक एंड रियलाइज दैट आई एम ए कंप्यूटर साइंटिस्ट। दिस इज़ अ सेकेंडरी थिंग। आई एम गोइंग टू गिव इट 2 hours एंड देन आई एम गोइंग टू क्लोज द बुक, दैट्स इट। I need to do other stuff. Why? Because this contributes like 2% to my ultimate goal. Yes, business communication is a very important skill. There are other things as well. I disagree with what you're saying यहाँ पे, लेकिन हाँ ठीक है, मतलब आपका point of view है। Take it as an example. हाँ, take it as an example. सही है। कि if you find a course जो कि आप समझते हैं कि ये आपके ultimate goal को achieve नहीं कर रहा, ठीक है? आपका goal आज कुछ और है, कल कुछ और भी तो हो सकता है ना। Like you could start as a programmer like me and then maybe बाद में वो goal है यार, I want to start my company, maybe that works, maybe that helps you in the future, maybe yes, हाँ maybe, but you can learn it then, हाँ sure, right, so sure. Again हाँ मैं I get what you're saying। आप ये कह रहे हैं कि यार आपने अपनी डिग्री को भी ऑप्टिमाइज करना है। एग्जैक्टली, क्योंकि असल मैं जिस वजह से कह रहा हूँ ना, मैंने अपने वो जो ये 4 साल का मैंने पूरा उसके अंदर मैंने बड़ा क्लोजली स्टूडेंट्स को देखा है और ये एक बिजनेस कम्युनिकेशन की मिसाल मैं इस वजह से देता हूँ कि you need to go and interview the manager of the bank. It takes you like 2 days. First you set it up, then you go over there, then you ask the questions. It's a good skill to have. But is it worth 2 days of effort? I don't think so. Okay. Maybe you think it is. Mm-hmm. Again, it depends on, at least think about it. Ah, that's what I'm saying. Like food for thought दे रहे हैं। Exactly. बिल्कुल ठीक है, सही है। Okay, interesting takes, very hot takes. मुझे बताएं, so you've taught in Pakistan, you're teaching in Saudi Arabia right now. I think वहाँ भी it won't be any different from here, right? कैसा है यहाँ से, कैसा है? वहाँ का एजुकेशन कल्चर थोड़ा सा फ़र्क है, थोड़ा नहीं बहुत फ़र्क है, लेकिन वो मैं यूनिवर्सिटीज़ को नहीं ब्लेम करूँगा। वो उनका स्कूलिंग की जो साइड से जो बात शुरू हो रही है ना, वो थोड़ी सी मतलब वो इस किस्म की सिचुएशन है कि जो अच्छे स्कूल्स हैं वो पढ़ाते हैं लेकिन एग्ज़ाम्स आर वेरी लीनियंट और मैं उस चीज़ के हक़ में नहीं हूँ। यू नीड टू एट दैट एज द स्टूडेंट नीड्स टू हैव अ टेंजिबल फीडबैक, वो वहाँ पे थोड़ा नहीं है। तो इस वजह से वहाँ की ज़रा एजुकेशन इस तरह की नहीं है। अब अच्छे बुरे लोग टीचर्स भी हर जगह पे होते हैं, अच्छे बुरे स्टूडेंट भी हर जगह पे होते हैं, लेकिन एज अ सिस्टम जो उनके स्कूलिंग है वो ठीक नहीं है। तो जब उसी स्कूलिंग से गुजर के लोग आगे आते हैं तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमारे यहाँ भी यूनिवर्सिटीज़ में जो लोग आते हैं, तो अगर वो स्पेशली जब मैंने ITC पढ़ाया था तो मेरे साथ जो लोगों ने पहले से वो किया हुआ था ना, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग जब मैंने पढ़ा, तो जिन लोगों ने पहले से प्रोग्रामिंग सीखी हुई थी ना, उनको मेरे साथ बड़ा मसले होते थे क्योंकि दे वर नॉट अ ब्लैंक स्लेट, यू नीड टू फिक्स दैट फर्स्ट। और जो ब्लैंक स्लेट थे, मेरे पास जितने टॉपर थे वो सारे के सारे होते जिन्होंने पहली दफ़ा वो देखा था। तो द रीज़न वॉज दैट दे वर ब्लैंक स्लेट। और हमारे सिस्टम जो पीछे से ख़राब आ रहा है, तो वो स्कूलिंग की वो एक अलग बहस है कि स्कूल्स को किस तरीके से सही कर सकते हैं। लेकिन ये कि सऊदी अरब में ज़्यादा मसला जो है वो जो प्राइमरी और उस लेवल की स्कूलिंग है उसके अंदर है। दे हैव द रिसोर्सेज एंड दे ट्राई, इट्स नॉट दैट दे डोंट ट्राई, लेकिन अब वो सिस्टम एक कुछ इस किस्म का चल पड़ा है कि उसको सही करने में बड़ा उनको लगेगा। ठीक है, एंड दे कैन अफोर्ड टू इम्पोर्ट टैलेंट, वी कैन नॉट, राइट? तो ये भी तो है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट मनी, देर आर मेनी अदर फैक्टर्स एज वेल। श्योर, नहीं लेकिन आई एम सेइंग इन टर्म्स ऑफ फॉर एग्जाम्पल लाइक इस वक्त इफ़ यू सी रियाद तो मैसिव इन्वेस्टमेंट्स इनटू ह्यूमन कैपिटल, कि यार लोग पूरी दुनिया से उठा रहे हैं, एक्सपर्ट्स उठा रहे हैं, तो वो अफोर्ड कर सकते हैं उठाना, वी कैन नॉट, राइट? एप्पल्स टू एप्पल्स में हम नहीं कर सकते। जी जी, लाइक आई सेड दे कैन अफोर्ड फाइनेंशियली बट देयर आर अदर फैक्टर्स एज वेल। श्योर, सो ठीक है, सही है। अच्छा ठीक है, आई थिंक ये सारा तो हमने बात कर ली है। आई एम ऑल्सो क्यूरियस अबाउट एज वी आर टूवर्ड्स द टेल एंड ऑफ दिस, आई एम क्यूरियस अबाउट के आप ये सारा क्यों कर रहे हैं? आपने फारिग वक्त में से टाइम निकाल के यूट्यूब पे वीडियोस क्यों पोस्ट कर रहे हैं? यूडमी पे कर रहे हैं आप, वो भी कर रहे हैं। नहीं, व्हाई डू यू डू दिस? क्यों आप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, आप अपना इन्जॉय करें, ये क्यों कर रहे हैं? आपकी आखिरी बात से शुरू करते, मेरे बच्चे तो मुझसे तंग आ गए। आप ये सोचें कि ये जो मैं भी यहाँ पे बोल रहा हूँ 24 घंटे अगर चल रही हो तो बच्चों की तो मेरे सर में दर्द हो गया होता है। तो वो बेचारे तो कहते हैं कि वो खुश होंगे अभी क्योंकि ज़्यादा वीडियो सुनाए नहीं, वो कहते हैं कि जाओ यहाँ से, हमें माफ़ करो थोड़ी देर के लिए। तो क्यों एक टाइम पे मेरे से एक स्टूडेंट ने भी ये सवाल पूछा था, काफ़ी अच्छे स्टूडेंट्स में से था वो। उसने कहा क्यों? तो मैंने कहा यार मुझे नहीं पता, टू बी वेरी फ्रैंक मुझे नहीं पता। लेकिन ये है कि मैं थोड़ा सा इसको ये कुछ मैंने एक पॉइंट एक आध दिखा भी था, उसकी तरफ इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ कि जब आप ये सारे मसाइल देखते हैं, और ऐसा नहीं है कि अकेले मैंने देखे हुए, जितने लोग इस एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं, उनको नज़र आते हैं मसाइल, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो या तो परवाही नहीं करते, गुजर जाते हैं सिस्टम से, ग्रेजुएट हो गए, निकल गए, सॉफ्टवेयर हाउस में जब पहुँच गए फिर कहते हैं जी अब क्या सीखना है, उस वक्त सीखते हैं, आप लोग ट्रेनिंग देते हैं या वो खुद सीख लेते हैं, उसके बाद से ही काम चलता है। तो कुछ वो लोग होते हैं, कुछ लोग वो होते हैं जो कि एकेडमिया में ही हैं तो वो कुड़ते रहते हैं, कुछ कर नहीं सकते और सो दे थिंक। कुछ लोग इस तरह के होते हैं जिनको परवाह नहीं है, ठीक है? तो ये सारे किस्म के लोग मौजूद हैं, लेकिन मैं उन लोगों की बात करूँगा जो कि मौजूद भी हैं, उनके अंदर समझ भी है और वो कुड़ भी रहे हैं, ठीक है? तो कुड़ का बजाय इसके कि कुड़ते रहें, उसके लिए आप जितना कर सकते हैं करें। तो मैंने आपको पहले बताया, अगर आप कहेंगे यूनिवर्सिटी को करिकुलम चेंज करो, यूनिवर्सिटी नहीं चेंज करती, उसमें कुछ यूनिवर्सिटी के भी अपने मसाइल होते हैं। इट्स अ प्रोसेस, इट हैज़ टू गो थ्रू दैट पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, मतलब लेट्स गिव देम द बेनिफिट ऑफ द डाउट, छोड़ें उनको, हम क्या कर सकते हैं। तो उसके अंदर ये चीज़ है कि भाई जो टीचर्स ये समझते हैं कि भाई ये कोर्स मैं पढ़ा रहा हूँ या पढ़ा रही हूँ एंड आई नो व्हाट दिस कोर्स इज़ अबाउट, तो मैं आप ही के इस चैनल के ज़रिए से उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि रिकॉर्ड इट, पुट इट ऑनलाइन, ठीक है? अक्सर लोग ये सोचते हैं कि यार मैं तो ठीक है, बस सही कोर्स है, बस ऐसा कोई ख़ास कोर्स तो नहीं है। जो बंदा ये सोच रहा है ना, सिर्फ इस बारे में सोच रहा है कि मेरा कोर्स अच्छा है या बुरा है, दिस इज़ बाय डेफिनेशन वे अबव एवरीबॉडी एल्स। डनिंग क्रूगर इफेक्ट भी है, वो एग्जैक्टली माउंट स्टूपिड से आगे, एग्जैक्टली। तो वो जो लोग नहीं सोच रहे ना, वो तो पीछे बैठे हुए, हमने तो पढ़ा दिया है, हाँ एग्जैक्टली, वो भी पीक पे। तो यू हैव एटलीस्ट गॉन डाउन द स्लोप, तो यू आर स्टिल बेटर देन ऑल ऑफ दोस, एंड लेट्स से You're not good, तो नहीं देखेगा ना कोई। आप जब पढ़ा ही रहे हैं ऑलरेडी, तो आप, एंड आई टेल यू, जब मैंने ये डालने शुरू किए थे तो माई मोटिवेशन वॉज कि ये मैंने एक दफ़ा पढ़ा दिया है, मैंने पाइथन पढ़ा दिया, हाँ। नहीं मैंने पाइथन पढ़ा दिया ना, यूनिवर्सिटी वालों को जब पता चलेगा तो उन्होंने तो मुझे लात दे के निकाल देना है। अच्छा, तो अगली दफ़ा तो कोई पढ़ाने वाला होगा नहीं, तो रिकॉर्ड कर लो ताकि रह जाए एक दफ़ा, ठीक है? ये तकरीबन मेरे हर कोर्स में यही होता रहा है, मैंने जितने भी कोर्स रिकॉर्ड किए सब में यही था कि ये एक ही दफ़ा है, जो कर दिया, इसके बाद फिर नहीं होना। प्रोबेबिलिटी मैंने पढ़ाया था, तो वो बाय डेफिनेशन मैंने आपको बताया मैथ्स वालों के पास जाता है, वो उनके कुछ लोड वगैरह का मसला था, मैंने काबू कर लिया और मैंने पढ़ा दिया, और फिर उसके बाद मैंने उनको कहा आप ले लो, अब जो करते हो करो, जिसने पढ़ना है मैंने रिकॉर्डिंग डाल दी है उसके पास। तो जो लोग ये सोच भी रहे हैं ना इस बारे में, आई वुड रिक्वेस्ट दैम वेरी हम्बली, और मैं उनको ये बिल्कुल जितने ज़ोर दे के कह सकूँ कि आपके कोर्सेज से फ़ायदा होगा, क्योंकि जो लोग मिसाल के तौर पर फास्ट में पढ़ा रहे हैं ना, वो फास्ट के स्टूडेंट का ना सोचें, वो सोचें वो यूनिवर्सिटी ऑफ मलकंड के स्टूडेंट का। मेरे पास कुछ कमेंट्स वगैरह आते हैं बांग्लादेश के पता नहीं किस इलाके के स्टूडेंट्स के कि जी हम वो करते हैं, तो वो ज़्यादा नहीं होते, थोड़े ही होते हैं। मेरी ज़्यादातर ऑडियंस पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि अगेन वो विजिबिलिटी मेरे चैनल की इतनी नहीं है। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि वो एक बंदा भी अगर आपको कहेगा ना, तो 2 हफ्ते तक आप उसकी खुशी में बैठे होंगे, तो एक खुशी वो एक वजह हो सकती है, राइट? तो थोड़ा सा मैं कंक्रीटली इस बात को कर दूँ कि कोर्स रिकॉर्ड करने में कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं है, OBS के ज़रिए से बस स्क्रीन रिकॉर्ड करें, ठीक है? लोग ये कहते हैं कि जी मैं तो बोर्ड के ऊपर लिखता हूँ, तो उसका ये टैबलेट मैंने लिखा हुआ है, उनका टैबलेट आता है 10,000 रुपये का है, सारा, इतना महंगा भी नहीं है। मुझे लोग कहते हैं तुमने रिकॉर्डिंग किस तरह की, मैं एक टाइम पे पैसे ज़्यादा हो गए थे तो मैं आईपैड के ऊपर रिकॉर्डिंग करता था, तो आईपैड की क्वालिटी थोड़ी बेहतर है, बट इफ़ यू डूइंग पावर पॉइंट प्लस दिस 10K टैबलेट स्क्रीन रिकॉर्ड परफेक्टली मैनेज होते, तो वो काम करें। और फिर उसके साथ बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, अगर कोई बंदा मैथ्स पढ़ा रहा है ना और वो इस तरीके से करता है तो इसमें 5 किस्म के कलर्स तो पावर पॉइंट में वैसे तैयार पड़े होते हैं, बोर्ड में तो आपको मार्कर लाने होते हैं, मार्कर नज़र आता है नहीं आता, उस किस्म की चीज़ है, थोड़ी सी प्रैक्टिस मांगता है, वो पेन का यूज़ भी बहुत आसान है, तो बहुत हाईली मैं रिकमेंड करता हूँ। अगेन किसी को उसकी ज़रूरत हो मुझे अप्रोच करेंगे भाई इसके लिए हमें क्या करना है क्या नहीं करना, तो एक्सपर्टीज़ मूव मेरा वो एक मेल मैंने लिख के रखी हुई है, वो जो मुझसे पूछता है मैं उसको भेज देता हूँ कि भाई ये टैबलेट है, इसको आप कनेक्ट करें, प्लग एंड प्ले होता है, पावर पॉइंट के साथ कनेक्ट हो जाता है, इट्स अ पेन, यू राइट ऑन द टैबलेट जस्ट लाइक अ पेन। चीज़ें पब्लिश करें, जितनी ज़्यादा ये चीज़ें अवेलेबल होंगी ना, लोग समझते हैं कि यार क्लास में तो मैं गपशप स्टूडेंट्स के साथ लगाता हूँ, और वो जब आपने कोई बात 50 स्टूडेंट्स के सामने कर दी है ना तो वो 500 के सामने भी कर सकते हैं। एब्सोल्युटली, और मैं आई कैन टोटली 100% एग्री विद यू। जब मैं शुरू कर रहा था तब मेरा से 6 साल एक्सपीरियंस था उस वक्त मेरा, मैंने सोचा यार मेरा 6 साल एक्सपीरियंस, मुझे क्या पता है इस वक्त दुनिया में लोग 20-25 साल एक्सपीरियंस है कंपनीज हैं लोगों की, मैं क्या बात कर सकता हूँ। बट आई थिंक द ओनली वे टू डू इट इज़ जस्ट टू पब्लिश, लाइक जस्ट रिकॉर्ड एंड पब्लिश। बिल्कुल, और फायदा ज़्यादा क्या हो जाएगा यार, कोई नहीं देखेगा कुछ भी, कोई बात नहीं, और कोई नहीं देखेगा तो जो आपने बोंगियाँ मारी हुई हैं किसी को नजर नहीं आएंगी। हाँ एग्जैक्टली, तो वो कोई मसला नहीं है। देखिए वो कोई बात इस तरह की होती है जिस तरह, ज़ाहिर बात है, अब मैंने एक कुछ ना हो तो 8-10 कोर्सेज मैंने बनाए हैं, उसमें मैंने बहुत सारी बातें गलत भी की होंगी, तो ठीक है ना, हो गया गलत, क्या हो गया। अब मैं कोई प्रोबेबिलिटी का कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, मैंने अगर प्रोबेबिलिटी के कोर्स के अंदर कोई ऐसी बात कर दी जो मैथ्स वाला मुझे आके कहता है बात तुमने गलत किया, हाँ जी बस ठीक है गलत होगी, खत्म हो गई, मेरी तनख्वाह तो नहीं काट लेंगे ना वो, क्या हो गया। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि उसके हो सकता है आप देखें कि यार इंडिया में फलां प्रोफेसर ने ये ऑलरेडी कवर किया तो मैं क्यों करूँ। यू वुड बी अमेज्ड विद द काइंड ऑफ कॉमेंट्स दैट आई गेट। लोग कहते हैं यार कि आज से पहले तक ना हम इंडियन यूट्यूबर्स को देखते थे फलां चीज़ की गाइडेंस के लिए, लेकिन मैंने पहली दफ़ा देखा है पाकिस्तान में इस तरह हो रहा है। तो पीपल वॉन्ट टू learn from people who look like them, talk like them, have relevance, जो उनसे relate कर सकते हैं। So even in within Pakistan, India, किसी Indian content creator से आप उतना relate नहीं कर सकते ना आप पाकिस्तानी से कर सकते, तो just do that। Language barrier तो बहुत बड़ा अपनी जगह पे एक मसला है। Even वो लोग, मैं जब फास्ट में नया आया था तो जोश ज़्यादा था, और मैं चूँकि फ्रीलांसिंग वगैरह करता था, सारी कम्युनिकेशन इंग्लिश में ही होती थी, तो जब यहाँ आया तो मैंने यहाँ पे आके इंग्लिश में पढ़ाना शुरू कर दिया। तो 1 साल 1.5 के बाद मुझे अपने कोलीग्स ने कहा कि उर्दू में पढ़ाया करो ज़रा उसे। मैंने कहा यार तो मुझे तो इंग्लिश सही आती है, और ये बच्चे भी मेरे सामने मतलब अच्छे स्कूलों के पढ़े हुए, इनको आती है। जब मैंने स्विच किया उर्दू में, मुझे पता चला कि इवन बीकानाउस और हमारे वहाँ पे सेंट मेरीज मशहूर है, ये इनके पढ़े हुए बच्चे जो है ना, उनको भी फ़र्क पड़ता है। लैंग्वेज बैरियर है। सारी उम्र तो आप अंग्रेज़ी बाहर तो नहीं बोलते ना, बाजार में तो उर्दू ही बोलते हैं, वो है। और दूसरी जो आपने बात की कि वो एक एसोसिएशन होती है कि भाई अपने मुल्क का बंदा है, तो वो हमारे एक टीचर होते थे, वो बड़ी अच्छी बात करते थे कि जब आप मुझे देखेंगे ना कि यार ये कद्दू इस तरह की बात कर रहा है, इसको आता है तो मैं भी सीख सकता हूँ। MIT वाले को देखते हैं ना तो आप कहते हैं यार वो तो MIT का है, वो तो US में पैदा हुआ है, उसकी वो तो वो कर सकता है, मैं नहीं कर सकता। एग्जैक्टली, तो इससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम ये चीज़ें इस तरीके से पब्लिश कर सकते हैं और ये कल्चर बना सकते हैं ना, उससे फिर ये भी होता है कि जितने ज़्यादा लोग ये वाले कोर्सेज देखेंगे ना, तो फिर वहाँ पर जाके वो अपने टीचर से सवाल भी पूछेंगे कि सर ये SVM हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो फिर टीचर को जागना पड़ेगा, राइट? टीचर जागेगा फिर, और फिर करिकुलम आप इस तरीके से अपने लिए नहीं, वो मशहूर वो है कि बीज बोएंगे ना, खाएगा कोई और। हाँ, वो कोई और खाएगा, लेकिन आपके इस बीज से आपको भी फायदा होगा। ये एक अजीब किस्म का बीज है कि आपको उस बोने से भी फायदा होता है। बिल्कुल सही है। हाँ, तो आप कर रहे हैं, आप अपने हिस्से की क्षमा जला रहे हैं, और मैं जो पता नहीं क्यों कर जितना आप कर आपको ठीक है। हाँ, लेकिन कुछ पॉइंट्स उनमें से ही है। जी जी जी, एनीथिंग एल्स? यही है। चलें, सही है सर, ज़बरदस्त। आई वॉज रियली नाइस टॉकिंग टू यू। मुझे एक सवाल आपसे भी है, पॉडकास्ट आपकी है, लेकिन चलें खैर मैं, आप थोड़ा सा मुझे ये बता दें कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फर्स्ट सेमेस्टर में कोई बच्चा आता है, क्योंकि मैं नॉर्मली टारगेट करता हूँ उस जगह पे, क्योंकि बुनियाद सही हो जाए तो आगे काम सही हो जाता है। तो अगर फर्स्ट सेमेस्टर में कोई बच्चा आता है तो आप कोई 1-2 चीज़ें अगर मुझे बता सकें कि वो बच्चा ऐसा क्या एफर्ट करे कि आपका माशाल्लाह यहाँ पे काफ़ी बड़ा सेटअप है, कि अगर वो पहले 1-2 सेमेस्टर में इस तरह का काम करे और उसको आगे चलाता जाए, तो आपको उसको हायर करने में, विच इज़ टू से, कि आपको उसकी स्किल्स वैल्यूएबल लगेंगी। कोई एक आध चीज़ इस तरह की बता दें। हमारा तो चार नकाती एजेंडा है हमारा, ठीक है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर्स, डेटा बेसिस और एल्गोरिदम्स। ये 4 चीज़ें हम कहते हैं यार, डिग्री में और कुछ भी नहीं किया ना, अगर सिर्फ ये 4 चीज़ें भी की हुई हैं ना, तो वीड बी हैप्पी टू इंटरव्यू दैम, हायर दैम। प्लस दूसरी चीज़ ये है कि यार मैं तो बहुत इंकरेज करता हूँ लोगों को कि यार आप जितना जल्दी फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं आप करें। करेंगे आप फेल करेंगे, आपको नहीं पैसे मिलेंगे, रिफंड देना पड़ेगा, कभी बेइज्जती भी हो जाएगी, तो उसकी वजह उससे आप सीखेंगे, उससे आप लोगों से बात करना सीखेंगे। हमारी सारा काम US और यूरोप में कस्टमर्स हैं, उनकी तरफ फोकस्ड है। तो अगर आपने हो सकता है 6 महीने 1 साल फ्रीलांसिंग की हुई है तो यू नो हाउ टू डील विद कस्टमर्स, यू नो व्हाट दे आर सेइंग। तो ये 4 चीज़ें जो मैंने बताई हैं आपको, और उसके अलावा बस जस्ट फ्रीलांसिंग करेंगे तो वो सारी वही वाली आपकी वाली बात है ना, कि वो मीन्स पे फोकस नहीं करेंगे, वो एंड पे फोकस करेंगे कि यार मैं इन टूल्स को इस्तेमाल करके किसी को वेब पेज बना दूँ, किसी को एक ऐप बना दूँ, किसी को एक स्क्रिप्ट लेके उसका डेटा क्लीन कर दूँ, व्हाटएवर। तो हमारा तो यही होता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ठीक है सर, ठीक है। टुवर्ड्स द टेल एंड ऑफ दिस, एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू शेयर? देखिए, बातें तो काफ़ी ज़्यादा हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता आती भी रहती हैं, लेकिन जो सारी डिस्कशन का वो था ना, वो एंड यही है कि यूनिवर्सिटी जो कुछ भी कर रही हैं, नंबर 1 उनको ब्लेम करना छोड़ दें, बताएं सही कि ये मसाइल हैं, चुप ना बैठें, वो अपनी जगह पे, लेकिन कहने के बाद उसको छोड़ें, पुट योर हेड डाउन और काम करें। ठीक है, औरों को साथ लेकर चलें। और उसके साथ साथ ये कि जितना ज़्यादा आप वापस उस चीज़ को डालेंगे अपने साथ और लोगों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा चलाएंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। और एक एनवायरनमेंट इस तरीके से क्रिएट करें, जिस तरह मैंने आपको बताया भी कि एक ग्रुप था, अपने यूनिवर्सिटी के अंदर एनवायरनमेंट क्रिएट करें, हर बंदे को पकड़ के लाएं कि भाई ये क्रिकेट के साथ मुझे बड़ी एलर्जी, क्रिकेट का मैच देखने की जगह पे इधर आ जाओ, हम ये OCW के ऊपर एक लेक्चर डाउनलोड करते हैं। ठीक है, और ये एल्गोरिदम्स का एक कोर्स, उसका एक शुरू का एक लेक्चर हम लेते हैं, देखो तो सही ये बंदा कहता किस तरह है, क्या बात करता है, हमें क्यों नहीं समझ आती, हमने भी तो एल्गो का कोर्स लिया, हमें ये बात क्यों नहीं समझ आ रही। सिर्फ इस किस्म की डिस्कशन, तो इस किस्म का एनवायरनमेंट क्रिएट करें। जब ये एनवायरनमेंट बनेगा, जितनी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में बनेगा, अच्छी यूनिवर्सिटी हो बुरी यूनिवर्सिटी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपने साथ लोगों को बिठाएं, 4 लोगों को 2 लोगों को 3 लोगों को, बैठें, गप भी लगाएं, समोसे भी खाएं और साथ ये काम भी करें। ये करेंगे तो इसकी वजह से वो एक एनवायरनमेंट होगा, वो एक सीड होगा, जिसकी वजह से ये चीज़ बहुत ज़्यादा फिर फैलती है। और जो 8 लोग आप बैठे हुए हैं ना, आप जब सीखेंगे ना तो आपको देख के पूरा बैच साथ चलता है, फिर पूरा बैच उठता है। फिर मैं आपकी बात समझ रहा हूँ और आज की डेट में मुझे आपकी बात समझ आ रही है, लेकिन यूनिवर्सिटी में तो मैंने शोगल लगाना है, पार्टी करनी है, ये सारा कुछ करना है, तो मैं ये क्यों करूँ? ये जो आप कह रहे हैं ये मैं क्यों करूँ? मुझे क्या फ़ायदा होगा इसका आगे जाके? मुझे ना लाइक व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट ना, आई लकीली स्टम्बल्ड अपॉन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, और मेरी डिग्री भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की नहीं थी, तो उधर से लाइक दैट रियली चेंज माई ट्रेजेक्ट्री ऑफ माई लाइफ। और मैं अब सोचता हूँ यार कि क्या आपका करियर एक ऐसी चीज़ है कि जिसको आप एक विम पे या एक लक के चांस पे छोड़ सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता। लाइक माई लाइफ वुड हैव बीन 100% डिफरेंट इफ़ मैं बाय लक फ्रीलांसिंग शुरू ना करता। ठीक है, तो मुझे बताएं, मैं तो यूनिवर्सिटी में शोर लगाने और दोस्तों से मिलने आया हूँ, ये करना ज़रूरी क्यों है? ये दोस्तों के साथ बैठ के OCW का लेक्चर देखना। 2 चीज़ें, एक तो आपने जो कहा ना कि भाई वो चांस के ऊपर जो है, उसके ऊपर तो ज़्यादा बात इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि बिल्कुल शुरू में आपने बात की थी ना कि इट्स द हैंड दैट्स बीन डेल्ट टू यू। अब आ गए ना, हमारी ऑडियंस नॉर्मली वो है जो कि किसी ना किसी तरीके से कंप्यूटर साइंस में आ गए हैं। हाँ बिल्कुल, ठीक है। वो जो नहीं आए ना उनको तो मैं खींच के लाता हूँ, वो एक अलग बात है, लेकिन जो आ गए हैं ना उनकी बात है, तो इसके ऊपर तो ज़्यादा तफसीली बात मैं नहीं जाऊँगा। दूसरी जो चीज़ है वो मुझे याद आ गया, हमारा एक स्टूडेंट था, ही वॉज़ वेरी वेल ऑफ, बाकी फैक्ट्रियाँ भी थी, तो उसको मैंने कहा कि भाई एक असाइनमेंट है और ये करोगे, उस टाइम पर कोई फिजिकल सिमुलेशन उनको करा रहा था वॉट एवर रीज़न, तो उसको मैंने कहा कि ये करोगे ना, तो ये असाइनमेंट है और ये आपने करनी होगी। उस बंदे ने कहा सर आप इतने असाइनमेंट्स देते हैं, हमने फिल्में भी देखनी होती हैं। बात तो सही है। तो यही सवाल भी उसने ज़रा अच्छे अल्फाज में कहा था, तो उसको मैंने कहा कि आप एक दफ़ा ये काम करो, जब आप ये काम कर लोगे ना तो उसके बाद जब मैं आपको अगली असाइनमेंट दूंगा ना तो आप असाइनमेंट कर रहे होगे और आपका फिल्म देखने पे दिल नहीं करेगा। ये एक दफ़ा करने से ही आता है, और आप जो करते हैं उनको पता है कि जब आपको एक दफ़ा मज़ा आ जाए ना उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, और वो जब हो जाता है और जो मज़ा आता है, फिर आपका प्रॉब्लम यहाँ पड़ा होगा और आपने वो प्लेलिस्ट में डाली होगी कि मैंने ये फिल्म देखनी है, आप नहीं देख सकेंगे, अब दिमाग लगेगा नहीं उधर, वो कहेगा यार क्या था वो, तो मुझे ये ठीक है, ये तो मुझे मज़ा आएगा करने में, मुझे सेल्फिशली क्या फ़ायदा होगा ये करने का? अगर मैं सेल्फिशली सोचूं बिल्कुल यार मुझे ये OCW वाले कोर्स के लिए एक ग्रुप बना के उनसे सीखने में मुझे ज़िंदगी में क्या फ़ायदा होगा ये करने का? हाँ सेल्फिशली तो ये बहुत आसान है इसका जवाब देना। देखें सीधी बात ये है कि आपके पास 3 कोर्सेज हैं, या तो खुद बैठ के तीनों करें, ठीक है, या ये कि एक उसको करने दें, एक उसको करने दें, एक उसको करने दें, अब उसको की तरह मुझे बताओ उसने क्या कहा है। तो वो 48 आवर्स जो उसने 40 आवर्स उसने वहाँ पे लगाए होंगे वो आपको 3 घंटे के अंदर उसका क्रक्स बता दें। और लॉन्ग रन में क्या फ़ायदा होगा सेल्फिशली ज़िंदगी में आगे? देखें जितनी भी चीज़ें आगे चलती हैं ना वो ये सेल्फलेसनेस और सेल्फिशनेस एक किस्म की एक साथ ही चलती है। जब आप सेल्फलेस होकर भी कोई काम कर रहे होते हैं ना तो उससे आपको बेनिफिट ज़रूर आता है। ऐसा मतलब एटलीस्ट मैं अपने तजुर्बे से आपको बता सकता हूँ कि ऐसा कोई काम कभी किया नहीं है कि आप कहें कि यार ये काम मैं वैसे ही कर रहा हूँ और फिर उसका कोई रिटर्न आपको वापस ना आया हो। हमेशा आता है, आपने भी देखा होगा जितने लोग हैं। ये अगेन ये चीज़ थोड़े से तजुर्बे के बाद ही आपके दिल मानेगा इस बात को, लेकिन आप लोग जब किसी इस किस्म के काम को करेंगे ना जिसके अंदर आपकी इंटेंशन इस तरह की हो कि मैं ये काम करना चाहता हूँ जिससे लेट्स से इस फलां बंदे का फ़ायदा हो जाए, ठीक है, तो इट कम्स बैक टू यू। तो वो चीज़ तजुर्बे से ही पता चलती है। उसमें मैं कुछ इस बारे ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि अभी इट विल बी वेरी एब्स्ट्रैक्ट, लेकिन जितनी भी चीज़ें मैं अपना तजुर्बा आपको बता सकता हूँ। आप जितने लोग हैं जो कि किसी भी अच्छी पोजीशन पे हैं उनसे पूछें तो वो जो एक इनहेरेंट खुशी वाली जो चीज़ होती है ना उसको अगर आप छोड़ भी दें तो यू कैन एक्चुअली सी थिंग्स कमिंग बैक टू यू, ठीक है। तो वो ऐसी चीज़ है जो कि थोड़े तजुर्बे से पता चलेगी, तो शुरू में करके देखें। और वो जो मज़ा है ना ट्रस्ट इन बाकी चीज़ों पे करें। वो जो मज़े वाली चीज़ है ना, मैंने जो पहले कहा कि आप एक दफ़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग को उठाएं और रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करें। जब आपने 2 प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए तो 3 प्रॉब्लम पे आप जाके फिल्म देख के दिखा दें फिर। ये तो मैं चैलेंज करता हूँ। बेहतरीन, ज़बरदस्त। तो इसी नोट पे हम इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स टू इंटरनलाइज एंड मेक सेंस ऑफ। मुझे पर्सनली बहुत कुछ सीखा है मैंने आपसे आज। एंड विद दैट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। अगर आप अभी तक देख रहे हैं, डॉक्टर नुमान ने भी यही बात की है, मैं भी आपको हमेशा यही बताता हूँ कि देयर इज़ नोबडी इज़ कमिंग टू सेव यू। जो कुछ आपने करना है वो आपने खुद ही करना है। आपके हाथ में जो कार्ड्स हैं आपने उनको बेस्ट खेलना है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड ऑन दैट थॉट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। अभी नीचे हमने एक नया सेक्शन स्टार्ट किया जिसमें आप गेस्ट रिकमेंडेशंस दे सकते हैं। तो उसमें अगर आप खुद या आपके कोई जानने वाले को आप चाहते हैं कि आप उन्हें पॉडकास्ट पर इनवाइट करवाएं तो आप उस फॉर्म को जाकर फिल कर सकते हैं। उसके अलावा हमने व्हाट्सएप की कम्युनिटी को दोबारा रीइग्नाइट किया तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हम बात करते हैं जॉब्स, इंटर्नशिप्स, पॉडकास्ट का फीडबैक, पॉडकास्ट आइडियाज़, गेस्ट रिकमेंडेशन एंड एवरीथिंग। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगैन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।